दोस्तों, अगर आप शाहरुख खान की सुपरहिट मूवी जवान को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल में नहीं हो तो हमारे चैनल एएन पिक्चर को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है जवान। ये फिल्म कौन सी है और यह आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। इस फिल्म के बारे में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। इस फिल्म में जो हिंदी डब वर्जन है वह किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर या किस सैटेलाइट चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा इसके बारे में भी सभी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। साथ ही हम फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट, म्यूजिक डिपार्टमेंट, प्री प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, बजट, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, इन सभी चीजों के बारे हम डिटेल से बात करेंगे। इस फिल्म की स्टोरी पर भी हम बात करेंगे और इस फिल्म की स्टोरी का छोटा सा रिव्यू भी मैं आपको दूंगा। इसके अलावा इस फिल्म के फैक्ट्स, स्टोरी लाइन, स्टार कास्ट, फिल्म में एक्टर की परफॉर्मेंस और कौन से एक्टर ने क्या किरदार अदा किया है, इन सभी के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। इसलिए आप दोस्तों को एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। जवान एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एटली ने सहलिखित और निर्देशित किया है। यह एटली पहली हिंदी फिल्म है। दो, यह रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान पिता और पुत्र की भूमिका में हैं, जो कि हमशक्ल है, जो समाज में भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए मिलकर काम करते हैं। नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण विशेष उपस्थिति के रूप में प्रस्तुत, प्रियामणि और सानिया मल्होत्रा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म की शूटिंग सितंबर 2021 में शुरू हुई और फरवरी 2023 में पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में फिल्मांकन के साथ समाप्त हुई। यह 2 जून 2023 को नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित थी, 3, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अधिक काम की आवश्यकता के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी के अवसर पर रिलीज हो चुकी है। जवान बॉलीवुड की तरफ से रिलीज होने वाली पहली पैन इंडिया फिल्म होगी। 4, अपनी रिलीज के 18वें दिन जवान ने 1000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। ऐसा करने वाली यह भारत की 6वीं और बॉलीवुड की 3री फिल्म है। इसी के साथ शाहरुख खान इकलौते ऐसे अभिनेता बन गए जिसके नाम 2 1000 करोड़ की फिल्में हो। फिल्म 2 नवंबर 2023 को खान के जन्मदिन पर ओटीटी मंच नेटफ्लिक्स पर विस्तारण के साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई थी। 5, विक्रम राठौड़ एक पूर्व सैनिक है जो अपने अतीत को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां वह देश भर में डकैतियों की एक श्रृंखला में 6 कुशल महिलाओं की एक टीम का नेतृत्व भी करता है और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को पता चलता है कि उसका खोया हुआ बेटा आजाद राठौड़ एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है जिसे दुनिया के 4थे सबसे बड़े हथियार डीलर उसके दुश्मन काली द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। विक्रम काली को खत्म करने के मिशन पर निकलता है और सरकार के सामने कुछ मांगे भी रखता है। इस प्रकार एक रोमांचक और बड़े दांव वाले प्रदर्शन के लिए मंच तैयार करता है। पात्र, शाहरुख खान दोहरी भूमिका में विक्रम राठौड़ और आजाद राठौड़ के रूप में, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रियामणि, सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर, योगी बाबू, रिद्धि डोगरा, आस्था अग्रवाल, संजीता भट्टाचार्य, अमृता अय्यर, केनी बसुमतारी, गिरिजा ओक, लेहर खान, अश्लेषा ठाकुर, आलिया कुरेशी, जफर सादिक, गणेश गुरुंग, ऋतुजा शिंदे, विजय विशेष उपस्थिति, दीपिका पादुकोण विशेष उपस्थिति, संजय दत्त विशेष उपस्थिति, एटली जिंदा बंदा गाने में, संगीत जवान, साउंडट्रैक अनिरुद्ध रविचंदर द्वारा, जारी 2023, रिकॉर्डिंग 2022 से 2023, संगीत शैली फिल्म साउंडट्रैक, भाषा हिंदी, लेबल टी सीरीज, निर्माता अनिरुद्ध रविचंदर, कथित तौर पर एआर रहमान को फिल्म के संगीत की रचना करने के लिए निर्देशक एटली द्वारा संपर्क किया गया था।
बाद में रहमान ने अस्पष्ट कारणों से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अनिरुद्ध रविचंद्र को फिल्म के संगीत की रचना करने के लिए चुना गया, जो इस प्रकार बॉलीवुड में एक एकल संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत करेंगे, जिन्होंने पहले डेविड के लिए एक गीत और जर्सी के पृष्ठभूमि स्कोर की रचना की थी। संगीत के अधिकार टी सीरीज ने हासिल किए हैं। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में दिखाया गया ट्रैक जवान प्रीव्यू थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। 6. इसमें राजा कुमारी द्वारा लिखित और प्रस्तुत किया गया रैप था, जिसमें अनिरुद्ध रविचंद्र और बीए नजनिक ने प्रदर्शन किया था। 7. फिल्म का पहला गीत जिंदा बंदा 31 जुलाई 2023 को यूट्यूब पर टी सीरीज चैनल पर रिलीज हुआ। 8. इसे 24 घंटों के भीतर 46 मिलियन से अधिक बार देखा गया, जिसने 24 घंटों में सर्वाधिक देखे जाने वाले भारतीय गीत का सर्वकालिक रिकॉर्ड स्थापित किया। 9. तथा फिल्म का दूसरा गीत चलेया 14 अगस्त 2023 को यूट्यूब पर टी सीरीज चैनल पर रिलीज हुआ। 10. उत्पादन 2019 के अंत में यह अफवाहें थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म निर्देशक एटली के साथ काम करेंगे और इसकी पुष्टि 2020 में की हो गई। 11-12 मई 2021 में यह बताया जा रहा था कि फिल्मांकन जल्द ही शुरू होगा। 13. फिल्म का निर्माण गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत किया है, जबकि गौरव वर्मा सह निर्माता के रूप में काम करते हैं। कंपनी ने परियोजना की पुष्टि करते हुए 3 जून 2022 को एक सार्वजनिक घोषणा की। यह फिल्म 300 करोड़ के बजट पर बन रही है। अभिनेताओं की कास्टिंग मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। बताया गया कि शाहरुख पिता और पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका निभाएंगे और 6 अलग अलग लुक में नजर आएंगे। नयनतारा को खान के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में अंतिम रूप दिया गया और इस तरह यह उनकी हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म थी। प्रियामणि, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबू बाद में कलाकारों में शामिल हुए। एक दशक के बाद खान के साथ फिर से जुड़ते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के साथ अभिनय किया था। राणा दग्गुबाती को प्रतिपक्षी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया और इस तरह यह भूमिका विजय सेतुपति को मिल गई। दीपिका पादुकोण अगस्त 2022 में चेन्नई में अपनी विशेष उपस्थिति की शूटिंग के लिए कलाकारों में शामिल हुई। सितंबर 2022 में विजय के फिल्म में कैमियो करने की पुष्टि की गई थी। मार्च 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान कैमियो की शूटिंग के लिए कलाकारों में शामिल हुए। फिल्मांकन प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में पुणे में शुरू हुई। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। यह पुणे मेट्रो में शूट होने वाली पहली फिल्म है। खान ने जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग फिर से शुरू की। नयनतारा अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को मुंबई शेड्यूल में शामिल हुई। इस शेड्यूल जवान 7 सितंबर 2023 को हिंदी में रिलीज हो चुकी है। इसके अलावा फिल्म को तमिल और तेलुगु जैसी भाषाओं में डब करके रिलीज किया गया। 14. जवान की शूटिंग पूरी हो चुकी है। जवान के मेकर्स इसे 7 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज करने की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। इसके लिए मेकर्स ने जवान का प्रीव्यू भी रिलीज कर दिया है। 15. कथित तौर पर यह फिल्म बॉलीवुड की पहली पेन इंडिया फिल्म होगी। 16. कमाई 3 अक्टूबर 2023 तक फिल्म ने भारत में 726.70 करोड़ US$106.1 मिलियन और विदेशों में 364.19 करोड़ US$53 सेंट मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में 1,091 करोड़ US$129.29 मिलियन की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। रिलीज के पहले दिन फिल्म के हिंदी संस्करण ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ 65.50 करोड़ US$8.2 मिलियन की कमाई की। इसके डब तमिल और तेलुगु संस्करणों से 10 करोड़ US$1.3 मिलियन की कुल कमाई हुई। 75.50 करोड़ US$9.5 मिलियन का। दुनिया भर में सभी संस्करणों ने पहले दिन 129 करोड़ US$16 मिलियन की कमाई की। इसने खान की पिछली रिलीज पठान को पीछे छोड़ते हुए एक हिंदी फिल्म के लिए पहले दिन के कई रिकॉर्ड बनाए। ऑस्ट्रेलिया में यह बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई, जिसने पहले दिन 400K की कमाई की।
अपने दूसरे दिन हिंदी संस्करण ने भारत में 45 रुपए करोड़ की कमाई की और कुल 110 रुपए करोड़ का शुद्ध संग्रह किया। 17 अपने दूसरे दिन हिंदी संस्करण ने भारत में 45 रुपए करोड़ की कमाई की और कुल 110 रुपए करोड़ का शुद्ध संग्रह किया। तीसरे दिन जवान ने 144 करोड़ की कमाई की, जो आज तक किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए उच्चतम है। यह घरेलू स्तर पर 3 दिनों में 200 रुपए करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने पठान को पीछे छोड़ दिया। यह भारत में 5 दिनों में सबसे तेजी से 300 रुपए करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। यह 9 दिनों में 400 रुपए करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली और घरेलू स्तर पर 13 दिनों में 500 रुपए करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। रिलीज के 17वें दिन यह भारत में कमाई करने वाली सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन गई, जो इससे पहले खान की ही पठान थी। अपनी रिलीज के 18वें दिन जवान ने 1000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। ऐसा करने वाली यह भारत की 6ठी और बॉलीवुड की 3री फिल्म है। इसी के साथ शाहरुख खान इकलौते ऐसे अभिनेता बन गए जिसके नाम 2 1000 करोड़ की फिल्में हो। ऐसा करने वाली यह बॉलीवुड की सबसे तेज फिल्म भी है। भारत के बाहर जवान की विदेशों में शुरुआती सप्ताहांत में कुल कमाई 32.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 12 सितंबर तक इसने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका मेना क्षेत्रों से 8.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर और यूके और यूरोपीय बाजारों से 8.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्र किए। जवान अपने डब संस्करणों में 50 रुपए करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र हिंदी फिल्म बन गई है। जवान को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोस पर जवान को 14 समीक्षाओं में से 93% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 7.410 है। 18 व्यावसायिक रेटिंग, समीक्षकों से प्राप्त रेटिंग, स्रोत रेटिंग IMDb 8/10 32,000 लोग, 19 8/10 स्टार्स, 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 8/10 स्टार्स। तरण आदर्श 4.55 20 4.55 स्टार्स, 4.55 स्टार्स, 4.55 स्टार्स, 4.55 स्टार्स, 4.55 स्टार्स। रॉटेन टमेटोज 7.55 21 7.55 स्टार्स, 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 7.55 स्टार्स। नरेंद्र सैनी NDTV 4.22 4/5 स्टार्स, 4.5 स्टार्स, 4.5 स्टार्स, 4.5 स्टार्स, 4.5 स्टार्स। बॉलीवुड हंगामा के ट्रेड जर्नलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को 4.55 की रेटिंग दी और इसके शानदार प्रदर्शन, रोमांचकारी और ताली बजाने योग्य क्षण, जीवन से बड़े एक्शन दृश्यों और शाहरुख खान के पहले कभी न देखे गए अवतार की प्रशंसा की। 23 फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने जवान की राजनीतिक कहानी कहने की सराहना करते हुए लिखा कि यह साहसपूर्वक और सीधे तौर पर अप्रभावी सरकार पर उंगली उठाती है और उंगली की ताकत को पहचानने और वोट देने की अपील करती है। 24 scroll.in की नंदिनी रामनाथ का मानना है कि फिल्म मुख्य रूप से किंग खान के कारण चली। उन्होंने लिखा कि उनकी स्क्रीन छवि विशाल, प्यार से भरी हुई, आक्रामक रूप से मर्दाना होने के बिना पुराने ढंग से वीरतापूर्ण, अपमानजनक लेकिन ईमानदार भी एक दम्भ बेचने में मदद करती है। वह किसी अन्य अभिनेता के साथ क्रैश हो सकता था। 25 भविष्य, रिलीज के बाद यह खबर आई कि फिल्म का दूसरा भाग भी होगा। फिल्म की सफलता के कारण खान ने फिल्म की अगली कड़ी की संभावना पर जोर दिया। बाद में सितंबर 2023 में एटली ने जवान 2 नामक सीक्वल की स्क्रिप्ट पर अपना काम शुरू कर दिया। पिंकविला के साथ एक साक्षात्कार के दौरान एटली ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि फिल्म का वास्तव में एक सीक्वल होगा और विक्रम राठौड़ के किरदार के आसपास केंद्रित एक स्पिन फिल्म बनाने की योजना का भी खुलासा किया। 26-27 बाद में सितंबर 2023 में यह बताया गया कि एटली ने सीक्वल की स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया है। सुपरस्टार शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म जवान 7 सितंबर को दुनिया भर में रिलीज हो चुकी है। वहीं इस फिल्म में सियासत की बातें भरपूर हैं और साथ ही शाहरुख का स्वैग भी है।
दक्षिण फिल्म निर्माता एटली द्वारा निर्देशित फिल्म जवान में शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण और संजय दत्त समेत कई अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं। इस फिल्म में जवान के अलावा किसानों पर फोकस किया गया है, जो कई साल से सुनने को हमें मिल रहा है कि कर्जे के बोझ तले दबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। वहीं इन सब के पीछे सिस्टम को कसूरवार दिखाया गया है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। किसान जवान फिल्म को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बड़े पर्दे पर किसी दिग्गज अभिनेता ने हमारी आवाज उठाई है, जो किसानों की असली दुर्दशा दिखाता है। मालूम हो कि ऐसा पहली बार नहीं है कि शाहरुख खान ने किसानों की बात की है। इससे पहले भी वो कई दफा किसानों की बात कर चुके हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें शाहरुख किसानों को असली हीरो कहते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस पुराने वीडियो में शाहरुख खान किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हमारे जो किसान भाई और बहन लोग हैं, जो आप लोग हैं महाराष्ट्र में, वो असली हीरो हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं। मैं दिल्ली और मुंबई का हूं, तो मुझे शायद गांव के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन मैं समझ पाता हूं कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। कड़ी धूप में बीज डालते हैं, उसके बाद सिंचाई, उपजाई और कटाई होती है। वीडियो में शाहरुख आगे कहते हैं, यह सब होने के बावजूद भी कभी कभी भगवान, अल्लाह और नेचर हमारा साथ नहीं देती और बारिश, पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। आप हीरो इसलिए हैं कि जिस चीज पर आप निर्भर हैं, जिस पर आपकी रोजी रोटी चलती है, जिस चीज की वजह से हम लोग पल पाते हैं, वो जिस चीज पर आप निर्भर हैं, कभी कभी वो भी आपको नहीं मिली, तो आज आपने साबित कर दिया कि उसको भी, यानी पानी को भी आप खुद उपजा लेंगे, तो असली हीरो आप लोग हैं। दर्द महसूस करें और आरोप प्रत्यारोप बंद करें, शाहरुख खान। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स, ट्विटर पर सक्रिय रहने के लिए जाने जाने वाले शाहरुख खान नियमित रूप से अपने प्रशंसकों के लिए अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों से अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। अभिनेता अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर भी अपनी राय और विचार व्यक्त करने के लिए भी ट्विटर का उपयोग करते हैं। इसी क्रम में अप्रैल 2015 में शाहरुख खान ने किसानों की आत्महत्या को लेकर एक एक्स किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, कोई भी खुद को नहीं मारता, अपना जीवन खत्म कर लेता है, वे ऐसा करते हैं ताकि दर्द खत्म हो जाए। एक क्षण रुकें, दर्द को महसूस करें, लाभ की तलाश न करें और आरोप प्रत्यारोप का खेल बंद करें। शाहरुख खान की जवान थिएटर्स में लग चुकी है। बिलाशक ये उनके करियर की सबसे मसालेदार फिल्म है। इसमें आपको तकरीबन हर वो एलिमेंट मिलेगा जो किसी मेनस्ट्रीम एंटरटेनिंग फिल्म में होना चाहिए। एक के पैसे में दो दो शाहरुख खान मिल रहे हैं, इससे ज्यादा पब्लिक को क्या चाहिए। बेहतर फिल्म जवान को देखते हुए कई मौकों पर ऐसा लगता है कि शाहरुख जो चीजें अपने असल जीवन में नहीं कर पाते हैं, वो उन्होंने इस फिल्म में की है। मसलन देश के सामाजिक राजनीतिक मसलों पर खुलकर अपनी बात रखना। देखिए, जवान ने कभी हमसे एकदम अलहदा फिल्म होने का वादा नहीं किया था, वो है भी नहीं। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ टिकट खिड़की पर पैसे कमाने के मकसद से बनाई गई है, और फिल्म खूब सारे पैसे कमाएगी भी। शाहरुख को जितना क्रांतिकारी सिनेमा करना था, उन्होंने 2014 से 2019 तक कर लिया। अब वो वही करेंगे जो पब्लिक देखना चाहती है, जो कि सही भी है। डॉट सबको पता है कि जवान में शाहरुख खान का डबल रोल है। इस फिल्म से मेरा हासिल विक्रम राठौड़ का पिता वाला किरदार है, जिसकी बैक स्टोरी चक दे इंडिया वाले कबीर खान की तरह है, मगर थोड़ा मैस्कुलिन, सिनेमैटिक और स्वैगर से भरपूर। फिल्म के आखिर में एक सीन है जहां आजाद और विक्रम विलन से लड़ रहे हैं। काली उनके ऊपर शॉटगन से गोली दाग रहा है। ये दोनों लोग एक शील्ड के पीछे छुपे हैं। पहली गोली लगते ही विक्रम और आजाद दोनों थोड़ा पीछे की ओर सरकते हैं। पर्सनली ये फिल्म का इकलौता सीन है जिसे मैं दोबारा या रिवाइंड करके देखना चाहूंगा। डॉट जवान खालिस मसाला सिनेमा है, जिसको साउथ स्टाइल में ट्रीट किया गया है।
कथानक से लेकर मैसेज तक सब कुछ। कैरेक्टर्स के लुक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कैरेक्टर्स की तर्ज पर बनाए गए हैं। फिल्म का एक सीन देखकर तो जीरो डार्क 30 की याद आ जाती है। फिल्म के सब प्लॉट्स में कई सामाजिक मसलों को छूने की कोशिश की गई है, मगर वो जेन्युइन एफर्ट नहीं लगता। इन्हें दर्शकों को ब्लैकमेल करने के लिए सिनेमैटिक टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस फिल्म की सबसे ज्यादा खलने वाली चीज मुझे यही लगी, जवान उन चीजों को पकड़ती है जिसे लेकर सोसाइटी बहुत टची है। किसानों की आत्महत्या, बच्चों की जान का खतरा, प्रेग्नेंट महिलाएं, अल्पसंख्यक लोग, भ्रष्टाचार, चुनावों की रिगिंग, इनमें से हर चीज आपको परेशान करती है, क्योंकि वाकई वो जरूरी मसले हैं जिन पर बात होनी चाहिए। फर्क बस ये है कि उन मसलों पर किस नियत से बात की जा रही है। क्या वाकई फिल्म या इसे बनाने वाले इन सामाजिक मसलों को लेकर फिक्रमंद हैं, या जवान को महिला केंद्रित फिल्म कहकर प्रमोट किया जा रहा था। कहने को तो दंगल भी महिला प्रधान फिल्म थी, मगर थी क्या? जवान में आपको 6 महिला किरदार नजर आते हैं। उन सबकी कहानी फिल्म के लिए अलग अलग सब प्लॉट्स तैयार करती है। पूरी कहानी में सिर्फ उनका इतना ही रोल है। सानिया मल्होत्रा से लेकर प्रियमण, विजय सेतुपति एकदम टिपिकल विलन बने हैं, जो पहले राउंड में हीरो को हरा देता है। दूसरे राउंड में हीरो विलन से बदला लेने आता है। विजय सेतुपति के काली के किरदार को थोड़ा और उभर कर आने दिया जाता तो शायद फिल्म और रोचक बन सकती थी। हालांकि उनका एक सीन है जब वो अपने गुर्गों से कहते हैं कि आजाद और विक्रम को खत्म करो, वरना ये लोग गाना गाने लगेंगे और उन्हें सुनना पड़ेगा। फिल्म में 2 सुपरस्टार्स के कैमियो हैं, जो हद से ज्यादा निराशाजनक हैं। फिल्म का एंड देखकर तो मुझे एक बार को लगा आयला अब्बास मुस्तन की रेस। ये फिल्म जितनी शाहरुख खान की है उतनी ही एटली की भी है। एटली को एलिवेशन वाले सीन्स का मास्टर माना जाता है, वो यहां भी करते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तगड़ा है, खासकर जवान थीम, मगर चलेया के अलावा कोई भी गाना याद नहीं रहता। कुल जमा बात यह है कि तमाम खामियों के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि जवान आपको वो नहीं देती जिसका वादा फिल्म ने किया था। एंटरटेनमेंट, शाहरुख पठान के बाद जवान के तौर पर एक अच्छा फॉलोअप डिलीवर करना चाहते थे, वो उन्होंने कर दिया है, क्योंकि ये फिल्म झोंककर पैसा कमाने वाली है। जवान को देखकर मुझे आजकल सोशल मीडिया पर चलने वाला मीम रूपी कथन याद आता है, ऐसा नजारा कदाचित सिनेमा घर में पहली बार देखने को मिल रहा था। शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म जवान गुरुवार 7 सितंबर को रिलीज हो गई है। पहला शो अल सुबह 6 बजे का था और सुबह का ये शो भी हाउसफुल था। फिल्म को लेकर SRK के फैंस का पागलपन अपने 7वें आसमान पर है। फिल्म की शुरुआत में शाहरुख की एंट्री पर ऑडियंस क्रेजी होकर चीखने चिल्लाने लगी, सीटियों और तालियों की बौछार हो गई। फिल्म खत्म होने के बाद लोग नाच गाकर इसका जश्न मना रहे थे। कहीं ढोलन गाड़ों के साथ फिल्म की रिलीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो कहीं जन्माष्टमी के अवसर पर उनके कटआउट को दूध से नहलाया जा रहा है। 35 करोड़ की बम्पर एडवांस बुकिंग के साथ जवान रिलीज हुई है और इसका असर सिनेमाघर के अंदर और बाहर साफ दिखता है। कहानी की बात करें तो जवान के प्लॉट में कई परते हैं। फिल्म की शुरुआत मुंबई मेट्रो के हाईजैक से होती है, जहां आजाद शाहरुख खान वेश बदलकर अपनी गर्ल गैंग लक्ष्मी, प्रियामनी, ईरम, सानिया मल्होत्रा, हेलना, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, लहर खान के साथ मिलकर ये काम करता है। इस गर्ल गैंग की सभी लड़कियों का एक दर्दनाक अतीत है जिसके कारण वे आजाद का साथ देने को राजी होती हैं। शुरू में विलेन दिखने वाला आजाद असल में रॉबिन हुड है, जो काली करतूतें करने वाले सफेदपोश बिजनेसमैन काली गायकवाड़ विजय सेतुपति से फिरौती की एक मोटी रकम लेता है और उसे कर्ज में डूबे उन किसानों के बैंक अकाउंट में जमा करा देता है। ये किसान बैंक के कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या को मजबूर हो चुके थे। काली को ये पैसे इसलिए भी देने पड़ते हैं क्योंकि उस मेट्रो में उसकी बेटी भी थी। सिस्टम के मारी लाचार और पीड़ित आम जनता का मसीहा आजाद यहीं तक नहीं रुकता,
वह अपनी जांबाज लड़कियों की टोली के साथ हेल्थ मिनिस्टर को अगवा करके सरकारी अस्पतालों में चल रहे करप्शन और दुर्दशा का भंडाफोड़ करता है और महज 5 घंटों में उसे सुधरवाता भी है। आजाद की असलियत का पता लगाकर उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस चीफ नर्मदा नयनतारा को अपॉइंट किया जाता है। नर्मदा जिस आजाद को पकड़ने के लिए जी जान लगा रही है, वही उससे शादी करके उसकी बेटी को अपनाने की पहल करता है। एन शादी के दिन नर्मदा को आजाद की असलियत पता चलती है। आजाद की अपनी बैक स्टोरी है। वह सेना में स्पेशल टास्क की जिम्मेदारी निभाने वाले बहादुर देशभक्त विक्रम राठौड़ का बेटा है। 30 साल पहले जब विक्रम ने एक मिशन के दौरान बिजनेसमैन काली के वेपन घोटाले की पोल खोली थी, तब काली विक्रम को देशद्रोही साबित करके मौत के घाट उतार देता है। विक्रम की पत्नी ऐश्वर्या दीपिका पादुकोण को फांसी की सजा दी जाती है, मगर विक्रम मौत के मुंह से बच तो जाता है। उसकी याददाश्त जा चुकी है। ऐश्वर्या अपने 5 साल के बेटे आजाद को मरते समय बता देती है कि उसका पिता विक्रम देशद्रोही नहीं बल्कि देशभक्त था। आजाद को उसकी मुंहबोली मां रिद्धि डोगरा पालपोस कर बड़ा करती है और उसे भीलवाड़ा जेल का जेलर बनाती है। क्या आजाद अपने पिता को 30 साल बाद देशभक्त साबित करके अपनी माँ की मौत का बदला ले पाएगा? क्या विक्रम की याददाश्त वापस आ पाएगी? क्या आजाद रॉबिनहुड बनकर गरीब और सिस्टम की मार झेलने वालों की मदद जारी रखेगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। निर्देशन की बात करें तो एटली की यह फिल्म हर तरह से मसालेदार है, मगर निर्देशक ने उसमें 30 साल का लीप लेकर उसे आज के दौर के मुद्दों से जोड़ा है। किसानों की दुर्दशा और आत्महत्या का मुद्दा हो या फिर सरकारी अस्पतालों की बदहाली, आम आदमी इस सिस्टम के कुचक्र में कैसे फंसता है, इसे इटली ने एक्शन इमोशन के साथ परोसा है। फिल्म में 2 कहानियां समानांतर ढंग से चलती हैं, जिसमें शाहरुख नयनतारा वर्तमान में हैं और दीपिका अतीत में। हालांकि इटली की फिल्म में कई टर्न और ट्विस्ट हैं। इंटरवल का पॉइंट भी दिलचस्प है, मगर कई जगह पर निर्देशक सिनेमैटिक लिबर्टी लेने से नहीं चुके। कहीं कहीं पर फिल्म मेलोड्रामेटिक भी होती है, मगर किरदार उसे निभा ले जाते हैं। किसान का बेबस होकर फांसी लगाने का दृश्य हृदय विदारक है। रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन दृश्यों में देश दुनिया से एक साथ आए 6 एक्शन निर्देशकों का जलवा साफ मालूम पड़ता है। एटली और रामनागर निवासन द्वारा लिखित पटकथा आकर्षक और मनोरंजक है। हाँ, फिल्म का रनटाइम लंबा 2 घंटे 45 मिनट है। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर मच्छर मारने की 5 घंटे चलने वाले कॉइल के बारे में आप इतनी पूछताछ करते हैं, मगर 5 साल तक चलने वाली सरकार से कुछ नहीं पूछते। जवान एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एटली ने सहलिखित और निर्देशित किया है। यह एटली पहली हिंदी फिल्म है। यह रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान पिता और पुत्र की भूमिका में हैं, जो कि हमशक्ल है, जो समाज में भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए मिलकर काम करते हैं। नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण विशेष उपस्थिति के रूप में प्रस्तुत प्रियामणि और सानिया मल्होत्रा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म की शूटिंग सितंबर 2021 में शुरू हुई और फरवरी 2023 में पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में फिल्मांकन के साथ समाप्त हुई। यह 2 जून 2023 को नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित थी, 3, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अधिक काम की आवश्यकता के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी के अवसर पर रिलीज हो चुकी है। जवान बॉलीवुड की तरफ से रिलीज होने वाली पहली पेन इंडिया फिल्म होगी। 4, अपनी रिलीज के 18वें दिन जवान ने 1000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। ऐसा करने वाली यह भारत की 6ठी और बॉलीवुड की 3री फिल्म है। इसी के साथ शाहरुख खान इकलौते ऐसे अभिनेता बन गए जिसके नाम 2 1000 करोड़ की फिल्में हो। फिल्म 2 नवंबर 2023 को खान के जन्मदिन पर ओटीटी मंच नेटफ्लिक्स पर विस्तारण के साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई थी। 5, विक्रम राठौड़ एक पूर्व सैनिक है जो अपने अतीत को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां वह देश भर में डकैतियों की एक श्रृंखला में 6 कुशल महिलाओं की एक टीम का नेतृत्व भी करता है और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है।
विक्रम को पता चलता है कि उसका खोया हुआ बेटा आजाद राठौड़ एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है, जिसे दुनिया के चौथे सबसे बड़े हथियार डीलर उसके दुश्मन काली द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। विक्रम काली को खत्म करने के मिशन पर निकलता है और सरकार के सामने कुछ मांगे भी रखता है। इस प्रकार एक रोमांचक और बड़े दांव वाले प्रदर्शन के लिए मंच तैयार करता है। पात्र शाहरुख खान, दोहरी भूमिका में विक्रम राठौड़ और आजाद राठौड़ के रूप में। नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रियामणि, सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर, योगी बाबू, रिद्धि डोगरा, आस्था अग्रवाल, संजीता भट्टाचार्य, अमृता अय्यर, केनी बसुमतारी, गिरिजा ओक, लेहर खान, अश्लेषा ठाकुर, आलिया कुरेशी, जफर सादिक, गणेश गुरुंग, ऋतुजा शिंदे, विजय विशेष उपस्थिति, दीपिका पादुकोण विशेष उपस्थिति, संजय दत्त विशेष उपस्थिति। एटली जिंदा बंदा गाने में। संगीत जवान, साउंड ट्रैक अनिरुद्ध रविचंदर द्वारा। जारी 2023, रिकॉर्डिंग 2022 से 2023। संगीत शैली फिल्म साउंड ट्रैक। भाषा हिंदी। लेबल टी सीरीज। निर्माता अनिरुद्ध रविचंदर। कथित तौर पर एआर रहमान को फिल्म के संगीत की रचना करने के लिए निर्देशक एटली द्वारा संपर्क किया गया था। बाद में रहमान ने अस्पष्ट कारणों से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अनिरुद्ध रविचंदर को फिल्म के संगीत की रचना करने के लिए चुना गया, जो इस प्रकार बॉलीवुड में एक एकल संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत करेंगे, जिन्होंने पहले डेविड के लिए एक गीत और जर्सी के पृष्ठभूमि स्कोर की रचना की थी। संगीत के अधिकार टी सीरीज ने हासिल किए हैं। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में दिखाया गया ट्रैक जवान प्रीव्यू थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। 6, इसमें राजा कुमारी द्वारा लिखित और प्रस्तुत किया गया रैप था, जिसमें अनिरुद्ध रविचंदर और बीए नजनिक ने प्रदर्शन किया था। 7, फिल्म का पहला गीत जिंदा बंदा 31 जुलाई 2023 को YouTube पर टी सीरीज चैनल पर रिलीज हुआ। 8, इसे 24 घंटों के भीतर 46 मिलियन से अधिक बार देखा गया, जिसने 24 घंटों में सर्वाधिक देखे जाने वाले भारतीय गीत का सर्वकालिक रिकॉर्ड स्थापित किया। 9, तथा फिल्म का दूसरा गीत चलेया 14 अगस्त 2023 को YouTube पर टी सीरीज चैनल पर रिलीज हुआ। 10, उत्पादन 2019 के अंत में यह अफवाहें थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म निर्देशक एटली के साथ काम करेंगे और इसकी पुष्टि 2020 में की हो गई। 11-12 मई 2021 में यह बताया जा रहा था कि फिल्मांकन जल्द ही शुरू होगा। 13, फिल्म का निर्माण गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत किया है, जबकि गौरव वर्मा सह निर्माता के रूप में काम करते हैं। कंपनी ने परियोजना की पुष्टि करते हुए 3 जून 2022 को एक सार्वजनिक घोषणा की। यह फिल्म 300 करोड़ के बजट पर बन रही है। अभिनेताओं की कास्टिंग। मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। बताया गया कि शाहरुख पिता और पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका निभाएंगे और 6 अलग अलग लुक में नजर आएंगे। नयनतारा को खान के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में अंतिम रूप दिया गया और इस तरह यह उनकी हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म थी। प्रियामणि, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबू बाद में कलाकारों में शामिल हुए। एक दशक के बाद खान के साथ फिर से जुड़ते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के साथ अभिनय किया था। राणा दग्गुबाती को प्रतिपक्षी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया और इस तरह यह भूमिका विजय सेतुपति को मिल गई। दीपिका पादुकोण अगस्त 2022 में चेन्नई में अपनी विशेष उपस्थिति की शूटिंग के लिए कलाकारों में शामिल हुई। सितंबर 2022 में विजय के फिल्म में कैमियो करने की पुष्टि की गई थी। मार्च 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान कैमियो की शूटिंग के लिए कलाकारों में शामिल हुए। फिल्मांकन। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में पुणे में शुरू हुई। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। यह पुणे मेट्रो में शूट होने वाली पहली फिल्म है। खान ने जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग फिर से शुरू की। नयनतारा अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को मुंबई शेड्यूल में शामिल हुई। इस शेड्यूल
जवान 7 सितंबर 2023 को हिंदी में रिलीज हो चुकी है। इसके अलावा फिल्म को तमिल और तेलुगु जैसी भाषाओं में डब करके रिलीज किया गया। 14 जवान की शूटिंग पूरी हो चुकी है। जवान के मेकर्स इसे 7 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज करने की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। इसके लिए मेकर्स ने जवान का प्रीव्यू भी रिलीज कर दिया है। 15 कथित तौर पर यह फिल्म बॉलीवुड की पहली पैन इंडिया फिल्म होगी। 16 कमाई 3 अक्टूबर 2023 तक फिल्म ने भारत में 726.70 करोड़ यूएस 106.1 मिलियन और विदेशों में 364.19 करोड़ यूएस डॉलर 17 सेंट मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में 1,091.159 यूएस डॉलर 29 सेंट मिलियन की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। रिलीज के पहले दिन फिल्म के हिंदी संस्करण ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ 65.50 करोड़ यूएस 8.2 मिलियन की कमाई की। इसके डब तमिल और तेलुगु संस्करणों से 10 करोड़ यूएस 1.3 मिलियन की कुल कमाई हुई। 75.50 करोड़ यूएस 9.5 मिलियन का। दुनिया भर में सभी संस्करणों ने पहले दिन 129 करोड़ 16 यूएस डॉलर मिलियन की कमाई की। इसने खान की पिछली रिलीज पठान को पीछे छोड़ते हुए एक हिंदी फिल्म के लिए पहले दिन के कई रिकॉर्ड बनाए। ऑस्ट्रेलिया में यह बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई, जिसने पहले दिन आउ 400K की कमाई की। अपने दूसरे दिन हिंदी संस्करण ने भारत में 45 करोड़ की कमाई की और कुल 110 करोड़ का शुद्ध संग्रह किया। 17 अपने दूसरे दिन हिंदी संस्करण ने भारत में 45 करोड़ की कमाई की और कुल 110 करोड़ का शुद्ध संग्रह किया। तीसरे दिन जवान ने 144 करोड़ की कमाई की, जो आज तक किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए उच्चतम है। यह घरेलू स्तर पर 3 दिनों में 200 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने पठान को पीछे छोड़ दिया। यह भारत में 5 दिनों में सबसे तेजी से 300 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। यह 9 दिनों में 400 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली और घरेलू स्तर पर 13 दिनों में 500 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। रिलीज के 17वें दिन यह भारत में कमाई करने वाली सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन गई, जो इससे पहले खान की ही पठान थी। अपनी रिलीज के 18वें दिन जवान ने 1,000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। ऐसा करने वाली यह भारत की 6थी और बॉलीवुड की 3री फिल्म है। इसी के साथ शाहरुख खान इकलौते ऐसे अभिनेता बन गए जिसके नाम 2 1,000 करोड़ की फिल्में हो। ऐसा करने वाली यह बॉलीवुड की सबसे तेज फिल्म भी है। भारत के बाहर जवान की विदेशों में शुरुआती सप्ताहांत में कुल कमाई 32.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 12 सितंबर तक इसने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका मेना क्षेत्रों से 8.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर और यूके और यूरोपीय बाजारों से 8.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्र किए। जवान अपने डब संस्करणों में 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र हिंदी फिल्म बन गई है। जवान को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर जवान को 14 समीक्षाओं में से 93% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 7.410 है। 18 व्यावसायिक रेटिंग, समीक्षकों से प्राप्त रेटिंग, स्रोत रेटिंग IMDb 8/10 32,000 लोग, 19 8/10 स्टार्स, 8/10 स्टार्स। तरण आदर्श 4.55 20 4.55 स्टार्स, 4.55 स्टार्स, 4.55 स्टार्स, 4.55 स्टार्स, 4.55 स्टार्स। रॉटेन टमेटोज 7.55 21 7.55 स्टार्स, 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 7.55 स्टार्स। नरेंद्र सैनी NDTV 4.22 4/5 स्टार्स, 4.5 स्टार्स, 4.5 स्टार्स, 4.5 स्टार्स, 4.5 स्टार्स।
बॉलीवुड हंगामा के ट्रेड जर्नलिस्ट करण आदर्श ने फिल्म को 4.55 की रेटिंग दी और इसके शानदार प्रदर्शन, रोमांचकारी और ताली बजाने योग्य क्षण, जीवन से बड़े एक्शन दृश्यों और शाहरुख खान के पहले कभी न देखे गए अवतार की प्रशंसा की। 23 फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने जवान की राजनीतिक कहानी कहने की सराहना करते हुए लिखा कि यह साहसपूर्वक और सीधे तौर पर अप्रभावी सरकार पर उंगली उठाती है और उंगली की ताकत को पहचानने और वोट देने की अपील करती है। 24 Scroll.in की नंदिनी रामनाथ का मानना है कि फिल्म मुख्य रूप से किंग खान के कारण चली। उन्होंने लिखा कि उनकी स्क्रीन छवि विशाल, प्यार से भरी हुई, आक्रामक रूप से मर्दाना होने के बिना पुराने ढंग से वीरतापूर्ण, अपमानजनक लेकिन ईमानदार भी एक दम्भ बेचने में मदद करती है। वह किसी अन्य अभिनेता के साथ क्रैश हो सकता था। 25 भविष्य। रिलीज के बाद यह खबर आई कि फिल्म का दूसरा भाग भी होगा। फिल्म की सफलता के कारण खान ने फिल्म की अगली कड़ी की संभावना पर जोर दिया। बाद में सितंबर 2023 में एटली ने जवान 2 नामक सीक्वल की स्क्रिप्ट पर अपना काम शुरू कर दिया। पिंकविला के साथ एक साक्षात्कार के दौरान एटली ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि फिल्म का वास्तव में एक सीक्वल होगा और विक्रम राठौड़ के किरदार के आसपास केंद्रित एक स्पिन फिल्म बनाने की योजना का भी खुलासा किया। 26-27 बाद में सितंबर 2023 में यह बताया गया कि एटली ने सीक्वल की स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया है। सुपरस्टार शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म जवान 7 सितंबर को दुनिया भर में रिलीज हो चुकी है। वहीं इस फिल्म में सियासत की बातें भरपूर हैं और साथ ही शाहरुख का स्वैग भी है। दक्षिण फिल्म निर्माता एटली द्वारा निर्देशित फिल्म जवान में शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण और संजय दत्त समेत कई अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं। इस फिल्म में जवान के अलावा किसानों पर फोकस किया गया है, जो कई साल से सुनने को हमें मिल रहा है कि कर्जे के बोझ तले दबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। वहीं इन सब के पीछे सिस्टम को कसूरवार दिखाया गया है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। किसान जवान फिल्म को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बड़े पर्दे पर किसी दिग्गज अभिनेता ने हमारी आवाज उठाई है, जो किसानों की असली दुर्दशा दिखाता है। मालूम हो कि ऐसा पहली बार नहीं है कि शाहरुख खान ने किसानों की बात की है। इससे पहले भी वो कई दफा किसानों की बात कर चुके हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें शाहरुख किसानों को असली हीरो कहते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस पुराने वीडियो में शाहरुख खान किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हमारे जो किसान भाई और बहन लोग हैं, जो आप लोग हैं महाराष्ट्र में, वो असली हीरो हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं। मैं दिल्ली और मुंबई का हूँ तो मुझे शायद गांव के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन मैं समझ पाता हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। कड़ी धूप में बीज डालते हैं, उसके बाद सिंचाई, उपजाई और कटाई होती है। वीडियो में शाहरुख आगे कहते हैं, यह सब होने के बावजूद भी कभी कभी भगवान, अल्लाह और नेचर हमारा साथ नहीं देती और बारिश, पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। आप हीरो इसलिए हैं कि जिस चीज पर आप निर्भर हैं, जिस पर आपकी रोजी रोटी चलती है, जिस चीज की वजह से हम लोग पल पाते हैं, वो जिस चीज पर आप निर्भर हैं, कभी कभी वो भी आपको नहीं मिली, तो आज आपने साबित कर दिया कि उसको भी, यानी पानी को भी आप खुद उपजा लेंगे, तो असली हीरो आप लोग हैं। दर्द महसूस करें और आरोप प्रत्यारोप बंद करें, शाहरुख खान। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स, ट्विटर पर सक्रिय रहने के लिए जाने जाने वाले शाहरुख खान नियमित रूप से अपने प्रशंसकों के लिए अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों से अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। अभिनेता अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर भी अपनी राय और विचार व्यक्त करने के लिए भी ट्विटर का उपयोग करते हैं। इसी क्रम में अप्रैल 2015 में शाहरुख खान ने किसानों की आत्महत्या को लेकर एक एक्स किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, कोई भी खुद को नहीं मारता, अपना जीवन खत्म कर लेता है, वे ऐसा करते हैं ताकि दर्द खत्म हो जाए। एक क्षण रुकें, दर्द को महसूस करें, लाभ की तलाश न करें और आरोप प्रत्यारोप का खेल बंद करें, शाहरुख खान की जवान थिएटर्स में लग चुकी है।
बिलाशक ये उनके करियर की सबसे मसालेदार फिल्म है। इसमें आपको तकरीबन हर वो एलिमेंट मिलेगा जो किसी मेनस्ट्रीम एंटरटेनिंग फिल्म में होना चाहिए। एक के पैसे में दो दो शाहरुख खान मिल रहे हैं, इससे ज्यादा पब्लिक को क्या चाहिए। बेहतर फिल्म जवान को देखते हुए कई मौकों पर ऐसा लगता है कि शाहरुख जो चीजें अपने असल जीवन में नहीं कर पाते हैं वो उन्होंने इस फिल्म में की है। मसलन देश के सामाजिक राजनीतिक मसलों पर खुलकर अपनी बात रखना। देखिए, जवान ने कभी हमसे एकदम अलहदा फिल्म होने का वादा नहीं किया था, वो है भी नहीं। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ टिकट खिड़की पर पैसे कमाने के मकसद से बनाई गई है, और फिल्म खूब सारे पैसे कमाएगी भी। शाहरुख को जितना क्रांतिकारी सिनेमा करना था उन्होंने 2014 से 2019 तक कर लिया। अब वो वही करेंगे जो पब्लिक देखना चाहती है, जो कि सही भी है। डॉट सबको पता है कि जवान में शाहरुख खान का डबल रोल है। इस फिल्म से मेरा हासिल विक्रम राठौड़ का पिता वाला किरदार है, जिसकी बैकस्टोरी चक दे इंडिया वाले कबीर खान की तरह है, मगर थोड़ा मैस्कुलिन, सिनेमैटिक और स्वैगर से भरपूर। फिल्म के आखिर में एक सीन है जहां आजाद और विक्रम विलन से लड़ रहे हैं। काली उनके ऊपर शॉटगन से गोली दाग रहा है। ये दोनों लोग एक शील्ड के पीछे छुपे हैं। पहली गोली लगते ही विक्रम और आजाद दोनों थोड़ा पीछे की ओर सरकते हैं। पर्सनली ये फिल्म का इकलौता सीन है जिसे मैं दोबारा या रिवाइंड करके देखना चाहूंगा। डॉट जवान खालिस मसाला सिनेमा है जिसको साउथ स्टाइल में ट्रीट किया गया है। कथानक से लेकर मैसेज तक सब कुछ, कैरेक्टर्स के लुक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कैरेक्टर्स की तर्ज पर बनाए गए हैं। फिल्म का एक सीन देखकर तो जीरो डार्क थर्टी की याद आ जाती है। फिल्म के सब प्लॉट्स में कई सामाजिक मसलों को छूने की कोशिश की गई है, मगर वो जेन्युइन एफर्ट नहीं लगता। इन्हें दर्शकों को ब्लैकमेल करने के लिए सिनेमैटिक टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस फिल्म की सबसे ज्यादा खलने वाली चीज मुझे यही लगी, जवान उन चीजों को पकड़ती है जिसे लेकर सोसाइटी बहुत टची है। किसानों की आत्महत्या, बच्चों की जान का खतरा, प्रेग्नेंट महिलाएं, अल्पसंख्यक लोग, भ्रष्टाचार, चुनावों की रिगिंग, इनमें से हर चीज आपको परेशान करती है, क्योंकि वाकई वो जरूरी मसले हैं जिन पर बात होनी चाहिए। फर्क बस ये है कि उन मसलों पर किस नियत से बात की जा रही है। क्या वाकई फिल्म या इसे बनाने वाले इन सामाजिक मसलों को लेकर फिक्रमंद हैं, या जवान को महिला केंद्रित फिल्म कहकर प्रमोट किया जा रहा था। कहने को तो दंगल भी महिला प्रधान फिल्म थी, मगर थी क्या। जवान में आपको 6 महिला किरदार नजर आते हैं। उन सबकी कहानी फिल्म के लिए अलग अलग सब प्लॉट्स तैयार करती है। पूरी कहानी में सिर्फ उनका इतना ही रोल है। सानिया मल्होत्रा से लेकर प्रियमण, विजय सेतुपति एकदम टिपिकल विलन बने हैं जो पहले राउंड में हीरो को हरा देता है। दूसरे राउंड में हीरो विलन से बदला लेने आता है। विजय सेतुपति के काली के किरदार को थोड़ा और उभर कर आने दिया जाता तो शायद फिल्म और रोचक बन सकती थी। हालांकि उनका एक सीन है जब वो अपने गुर्गों से कहते हैं कि आजाद और विक्रम को खत्म करो, वरना ये लोग गाना गाने लगेंगे और उन्हें सुनना पड़ेगा। फिल्म में 2 सुपरस्टार्स के कैमियो हैं जो हद से ज्यादा निराशाजनक हैं। फिल्म का एंड देखकर तो मुझे एक बार को लगा आयला अब्बास मुस्तन की रेस। ये फिल्म जितनी शाहरुख खान की है उतनी ही एटली की भी है। एटली को एलिवेशन वाले सीन्स का मास्टर माना जाता है, वो यहां भी करते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तगड़ा है, खासकर जवान थीम, मगर चलेया के अलावा कोई भी गाना याद नहीं रहता। कुल जमा बात यह है कि तमाम खामियों के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि जवान आपको वो नहीं देती जिसका वादा फिल्म ने किया था। एंटरटेनमेंट, शाहरुख पठान के बाद जवान के तौर पर एक अच्छा फॉलोअप डिलीवर करना चाहते थे, वो उन्होंने कर दिया है, क्योंकि ये फिल्म झोंक कर पैसा कमाने वाली है। जवान को देखकर मुझे आजकल सोशल मीडिया पर चलने वाला मीम रूपी कथन याद आता है, ऐसा नजारा कदाचित सिनेमा घर में पहली बार देखने को मिल रहा था।
शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म जवान गुरुवार 7 सितंबर को रिलीज हो गई है। पहला शो अल सुबह 6 बजे का था और सुबह का ये शो भी हाउसफुल था। फिल्म को लेकर एसआरके के फैंस का पागलपन अपने सातवें आसमान पर है। फिल्म की शुरुआत में शाहरुख की एंट्री पर ऑडियंस क्रेजी होकर चीखने चिल्लाने लगी, सीटियों और तालियों की बौछार हो गई। फिल्म खत्म होने के बाद लोग नाच गाकर इसका जश्न मना रहे थे। कहीं ढोलन गाड़ों के साथ फिल्म की रिलीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो कहीं जन्माष्टमी के अवसर पर उनके कटआउट को दूध से नहलाया जा रहा है। 35 करोड़ की बम्पर एडवांस बुकिंग के साथ जवान रिलीज हुई है और इसका असर सिनेमाघर के अंदर और बाहर साफ दिखता है। कहानी की बात करें तो जवान के प्लॉट में कई परतें हैं। फिल्म की शुरुआत मुंबई मेट्रो के हाईजैक से होती है, जहां आजाद शाहरुख खान वेश बदलकर अपनी गर्ल गैंग लक्ष्मी, प्रियामनी, ईरम, सानिया मल्होत्रा, हेलना, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, लहर खान के साथ मिलकर ये काम करता है। इस गर्ल गैंग की सभी लड़कियों का एक दर्दनाक अतीत है, जिसके कारण वे आजाद का साथ देने को राजी होती हैं। शुरू में विलेन दिखने वाला आजाद असल में रॉबिन हुड है, जो काली करतूतें करने वाले सफेदपोश बिजनेसमैन काली गायकवाड़ विजय सेतुपति से फिरौती की एक मोटी रकम लेता है और उसे कर्ज में डूबे उन किसानों के बैंक अकाउंट में जमा करा देता है। ये किसान बैंक के कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या को मजबूर हो चुके थे। काली को ये पैसे इसलिए भी देने पड़ते हैं क्योंकि उस मेट्रो में उसकी बेटी भी थी। सिस्टम के मारी लाचार और पीड़ित आम जनता का मसीहा आजाद यहीं तक नहीं रुकता। वह अपनी जांबाज लड़कियों की टोली के साथ हेल्थ मिनिस्टर को अगवा करके सरकारी अस्पतालों में चल रहे करप्शन और दुर्दशा का भंडाफोड़ करता है और महज 5 घंटों में उसे सुधरवाता भी है। आजाद की असलियत का पता लगाकर उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस चीफ नर्मदा नयनतारा को अपॉइंट किया जाता है। नर्मदा जिस आजाद को पकड़ने के लिए जी जान लगा रही है, वही उससे शादी करके उसकी बेटी को अपनाने की पहल करता है। ऐन शादी के दिन नर्मदा को आजाद की असलियत पता चलती है। आजाद की अपनी बैक स्टोरी है। वह सेना में स्पेशल टास्क की जिम्मेदारी निभाने वाले बहादुर देशभक्त विक्रम राठौड़ का बेटा है। 30 साल पहले जब विक्रम ने एक मिशन के दौरान बिजनेसमैन काली के वेपन घोटाले की पोल खोली थी, तब काली विक्रम को देशद्रोही साबित करके मौत के घाट उतार देता है। विक्रम की पत्नी ऐश्वर्या दीपिका पादुकोण को फांसी की सजा दी जाती है, मगर विक्रम मौत के मुंह से बच तो जाता है। उसकी याददाश्त जा चुकी है। ऐश्वर्या अपने 5 साल के बेटे आजाद को मरते समय बता देती है कि उसका पिता विक्रम देशद्रोही नहीं बल्कि देशभक्त था। आजाद को उसकी मुंहबोली मां रिद्धि डोगरा पाल पोसकर बड़ा करती है और उसे भीलवाड़ा जेल का जेलर बनाती है। क्या आजाद अपने पिता को 30 साल बाद देशभक्त साबित करके अपनी माँ की मौत का बदला ले पाएगा? क्या विक्रम की याददाश्त वापस आ पाएगी? क्या आजाद रॉबिनहुड बनकर गरीब और सिस्टम की मार झेलने वालों की मदद जारी रखेगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। निर्देशन की बात करें तो एटली की यह फिल्म हर तरह से मसालेदार है, मगर निर्देशक ने उसमें 30 साल का लीप लेकर उसे आज के दौर के मुद्दों से जोड़ा है। किसानों की दुर्दशा और आत्महत्या का मुद्दा हो या फिर सरकारी अस्पतालों की बदहाली, आम आदमी इस सिस्टम के कुचक्र में कैसे फंसता है, इसे इटली ने एक्शन इमोशन के साथ परोसा है। फिल्म में 2 कहानियां समानांतर ढंग से चलती हैं, जिसमें शाहरुख नयनतारा वर्तमान में हैं और दीपिका अतीत में। हालांकि इटली की फिल्म में कई टर्न और ट्विस्ट हैं। इंटरवल का पॉइंट भी दिलचस्प है, मगर कई जगह पर निर्देशक सिनेमैटिक लिबर्टी लेने से नहीं चुके। कहीं कहीं पर फिल्म मेलोड्रामेटिक भी होती है, मगर किरदार उसे निभा ले जाते हैं। किसान का बेबस होकर फांसी लगाने का दृश्य हृदय विदारक है। रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन दृश्यों में देश दुनिया से एक साथ आए 6 एक्शन निर्देशकों का जलवा साफ मालूम पड़ता है। एटली और रामनागर निवासन द्वारा लिखित पटकथा आकर्षक और मनोरंजक है। हाँ, फिल्म का रनटाइम लंबा 2 घंटे 45 मिनट है। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर मच्छर मारने की 5 घंटे चलने वाले कॉइल के बारे में आप इतनी पूछताछ करते हैं, मगर 5 साल तक चलने वाली सरकार से कुछ नहीं पूछते।
जवान एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एटली ने सहलिखित और निर्देशित किया है। यह एटली पहली हिंदी फिल्म है। दो, यह रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान पिता और पुत्र की भूमिका में हैं, जो कि हमशक्ल है, जो समाज में भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए मिलकर काम करते हैं। नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण विशेष उपस्थिति के रूप में प्रस्तुत प्रियामणि और सानिया मल्होत्रा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म की शूटिंग सितंबर 2021 में शुरू हुई और फरवरी 2023 में पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में फिल्मांकन के साथ समाप्त हुई। यह 2 जून 2023 को नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित थी, 3, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अधिक काम की आवश्यकता के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी के अवसर पर रिलीज हो चुकी है। जवान बॉलीवुड की तरफ से रिलीज होने वाली पहली पैन इंडिया फिल्म होगी। 4, अपनी रिलीज के 18वें दिन जवान ने 1,000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। ऐसा करने वाली यह भारत की 6वीं और बॉलीवुड की 3री फिल्म है। इसी के साथ शाहरुख खान इकलौते ऐसे अभिनेता बन गए जिसके नाम 2 1,000 करोड़ की फिल्में हो। फिल्म 2 नवंबर 2023 को खान के जन्मदिन पर ओटीटी मंच नेटफ्लिक्स पर विस्तारण के साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई थी। 5, विक्रम राठौड़ एक पूर्व सैनिक है जो अपने अतीत को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां वह देश भर में डकैतियों की एक श्रृंखला में 6 कुशल महिलाओं की एक टीम का नेतृत्व भी करता है और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को पता चलता है कि उसका खोया हुआ बेटा आजाद राठौड़ एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है जिसे दुनिया के 4थे सबसे बड़े हथियार डीलर उसके दुश्मन काली द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। विक्रम काली को खत्म करने के मिशन पर निकलता है और सरकार के सामने कुछ मांगे भी रखता है। इस प्रकार एक रोमांचक और बड़े दांव वाले प्रदर्शन के लिए मंच तैयार करता है। पात्र, शाहरुख खान दोहरी भूमिका में विक्रम राठौड़ और आजाद राठौड़ के रूप में। नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रियामणि, सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर, योगी बाबू, रिद्धि डोगरा, आस्था अग्रवाल, संजीता भट्टाचार्य, अमृता अय्यर, केनी बसुमतारी, गिरिजा ओक, लेहर खान, अश्लेषा ठाकुर, आलिया कुरेशी, जफर सादिक, गणेश गुरुंग, ऋतुजा शिंदे, विजय विशेष उपस्थिति, दीपिका पादुकोण विशेष उपस्थिति, संजय दत्त विशेष उपस्थिति। एटली जिंदा बंदा गाने में। संगीत जवान, साउंडट्रैक अनिरुद्ध रविचंदर द्वारा। जारी 2023, रिकॉर्डिंग 2022 से 2023। संगीत शैली फिल्म साउंडट्रैक। भाषा हिंदी। लेबल टी सीरीज। निर्माता अनिरुद्ध रविचंदर। कथित तौर पर एआर रहमान को फिल्म के संगीत की रचना करने के लिए निर्देशक एटली द्वारा संपर्क किया गया था। बाद में रहमान ने अस्पष्ट कारणों से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अनिरुद्ध रविचंदर को फिल्म के संगीत की रचना करने के लिए चुना गया, जो इस प्रकार बॉलीवुड में एक एकल संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत करेंगे, जिन्होंने पहले डेविड के लिए एक गीत और जर्सी के पृष्ठभूमि स्कोर की रचना की थी। संगीत के अधिकार टी सीरीज ने हासिल किए हैं। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में दिखाया गया ट्रैक जवान प्रीव्यू थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। 6, इसमें राजा कुमारी द्वारा लिखित और प्रस्तुत किया गया रैप था जिसमें अनिरुद्ध रविचंदर और बीए नजनिक ने प्रदर्शन किया था। 7, फिल्म का पहला गीत जिंदा बंदा 31 जुलाई 2023 को YouTube पर टी सीरीज चैनल पर रिलीज हुआ। 8, इसे 24 घंटों के भीतर 46 मिलियन से अधिक बार देखा गया, जिसने 24 घंटों में सर्वाधिक देखे जाने वाले भारतीय गीत का सर्वकालिक रिकॉर्ड स्थापित किया। 9, तथा फिल्म का दूसरा गीत चलेया 14 अगस्त 2023 को YouTube पर टी सीरीज चैनल पर रिलीज हुआ। 10, उत्पादन 2019 के अंत में यह अफवाहें थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म निर्देशक एटली के साथ काम करेंगे और इसकी पुष्टि 2020 में की हो गई। 11-12 मई 2021 में यह बताया जा रहा था कि फिल्मांकन जल्द ही शुरू होगा। 13, फिल्म का निर्माण गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत किया है,
जबकि गौरव वर्मा सहनिर्माता के रूप में काम करते हैं। कंपनी ने परियोजना की पुष्टि करते हुए 3 जून 2022 को एक सार्वजनिक घोषणा की। यह फिल्म 300 करोड़ के बजट पर बन रही है। अभिनेताओं की कास्टिंग। मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। बताया गया कि शाहरुख पिता और पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका निभाएंगे और 6 अलग अलग लुक में नजर आएंगे। नयनतारा को खान के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में अंतिम रूप दिया गया और इस तरह यह उनकी हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म थी। प्रियामणि, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबू बाद में कलाकारों में शामिल हुए। एक दशक के बाद खान के साथ फिर से जुड़ते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के साथ अभिनय किया था। राणा दग्गुबाती को प्रतिपक्षी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया और इस तरह यह भूमिका विजय सेतुपति को मिल गई। दीपिका पादुकोण अगस्त 2022 में चेन्नई में अपनी विशेष उपस्थिति की शूटिंग के लिए कलाकारों में शामिल हुई। सितंबर 2022 में विजय के फिल्म में कैमियो करने की पुष्टि की गई थी। मार्च 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान कैमियो की शूटिंग के लिए कलाकारों में शामिल हुए। फिल्मांकन। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में पुणे में शुरू हुई। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। यह पुणे मेट्रो में शूट होने वाली पहली फिल्म है। खान ने जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग फिर से शुरू की। नयनतारा अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को मुंबई शेड्यूल में शामिल हुई। इस शेड्यूल जवान 7 सितंबर 2023 को हिंदी में रिलीज हो चुकी है। इसके अलावा फिल्म को तमिल और तेलुगु जैसी भाषाओं में डब करके रिलीज किया गया। 14 जवान की शूटिंग पूरी हो चुकी है। जवान के मेकर्स इसे 7 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज करने की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। इसके लिए मेकर्स ने जवान का प्रीव्यू भी रिलीज कर दिया है। 15 कथित तौर पर यह फिल्म बॉलीवुड की पहली पैन इंडिया फिल्म होगी। 16 कमाई। 3 अक्टूबर 2023 तक फिल्म ने भारत में 726.70 करोड़ यूज 106.1 मिलियन और विदेशों में 364.19 करोड़ $53 17 सेंट मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में 1,091.159 US$29 सेंट मिलियन की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। रिलीज के पहले दिन फिल्म के हिंदी संस्करण ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ $65.50 करोड़ यूज 8.2 मिलियन की कमाई की। इसके डब तमिल और तेलुगु संस्करणों से ₹10 करोड़ यूज 1.3 मिलियन की कुल कमाई हुई। ₹75.50 करोड़ यूज 9.5 मिलियन का। दुनिया भर में सभी संस्करणों ने पहले दिन ₹129 करोड़ $16 मिलियन की कमाई की। इसने खान की पिछली रिलीज पठान को पीछे छोड़ते हुए एक हिंदी फिल्म के लिए पहले दिन के कई रिकॉर्ड बनाए। ऑस्ट्रेलिया में यह बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई, जिसने पहले दिन ₹400K की कमाई की। अपने दूसरे दिन हिंदी संस्करण ने भारत में ₹45 करोड़ की कमाई की और कुल ₹110 करोड़ का शुद्ध संग्रह किया। 17 अपने दूसरे दिन हिंदी संस्करण ने भारत में ₹45 करोड़ की कमाई की और कुल ₹110 करोड़ का शुद्ध संग्रह किया। तीसरे दिन जवान ने ₹144 करोड़ की कमाई की, जो आज तक किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए उच्चतम है। यह घरेलू स्तर पर 3 दिनों में ₹200 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने पठान को पीछे छोड़ दिया। यह भारत में 5 दिनों में सबसे तेजी से ₹300 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। यह 9 दिनों में ₹400 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली और घरेलू स्तर पर 13 दिनों में ₹500 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। रिलीज के 17वें दिन यह भारत में कमाई करने वाली सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन गई, जो इससे पहले खान की ही पठान थी। अपनी रिलीज के 18वें दिन जवान ने 1,000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। ऐसा करने वाली यह भारत की 6ठी और बॉलीवुड की 3री फिल्म है। इसी के साथ शाहरुख खान इकलौते ऐसे अभिनेता बन गए जिसके नाम 2 1,000 करोड़ की फिल्में हो। ऐसा करने वाली यह बॉलीवुड की सबसे तेज फिल्म भी है। भारत के बाहर जवान की विदेशों में शुरुआती सप्ताहांत में कुल कमाई $32.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी।
12 सितंबर तक इसने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका मेना क्षेत्रों से 8.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर और यूके और यूरोपीय बाजारों से 8.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्र किए। जवान अपने डब संस्करणों में 50 रुपए करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र हिंदी फिल्म बन गई है। जवान को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर जवान को 14 समीक्षाओं में से 93% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 7.410 है। 18 व्यावसायिक रेटिंग, समीक्षकों से प्राप्त रेटिंग, स्रोत रेटिंग IMDb 8/10 32,000 लोग, 19 8/10 स्टार्स, 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 8/10 स्टार्स। तरण आदर्श 4.55 20 4.55 स्टार्स, 4.55 स्टार्स, 4.55 स्टार्स, 4.55 स्टार्स, 4.55 स्टार्स। रॉटेन टमेटोज 7.55 21 7.55 स्टार्स, 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 7.55 स्टार्स। नरेंद्र सैनी NDTV 4.22 4/5 स्टार्स, 4.5 स्टार्स, 4.5 स्टार्स, 4.5 स्टार्स, 4.5 स्टार्स। बॉलीवुड हंगामा के ट्रेड जर्नलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को 4.55 की रेटिंग दी और इसके शानदार प्रदर्शन, रोमांचकारी और ताली बजाने योग्य क्षण, जीवन से बड़े एक्शन दृश्यों और शाहरुख खान के पहले कभी न देखे गए अवतार की प्रशंसा की। 23 फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने जवान की राजनीतिक कहानी कहने की सराहना करते हुए लिखा कि यह साहसपूर्वक और सीधे तौर पर अप्रभावी सरकार पर उंगली उठाती है और उंगली की ताकत को पहचानने और वोट देने की अपील करती है। 24 scroll.in की नंदिनी रामनाथ का मानना है कि फिल्म मुख्य रूप से किंग खान के कारण चली। उन्होंने लिखा कि उनकी स्क्रीन छवि विशाल, प्यार से भरी हुई, आक्रामक रूप से मर्दाना होने के बिना पुराने ढंग से वीरतापूर्ण, अपमानजनक लेकिन ईमानदार भी एक दम्भ बेचने में मदद करती है। वह किसी अन्य अभिनेता के साथ क्रैश हो सकता था। 25 भविष्य, रिलीज के बाद यह खबर आई कि फिल्म का दूसरा भाग भी होगा। फिल्म की सफलता के कारण खान ने फिल्म की अगली कड़ी की संभावना पर जोर दिया। बाद में सितंबर 2023 में एटली ने जवान 2 नामक सीक्वल की स्क्रिप्ट पर अपना काम शुरू कर दिया। पिंकविला के साथ एक साक्षात्कार के दौरान एटली ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि फिल्म का वास्तव में एक सीक्वल होगा और विक्रम राठौड़ के किरदार के आसपास केंद्रित एक स्पिन फिल्म बनाने की योजना का भी खुलासा किया। 26-27 बाद में सितंबर 2023 में यह बताया गया कि एटली ने सीक्वल की स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया है। सुपरस्टार शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म जवान 7 सितंबर को दुनिया भर में रिलीज हो चुकी है। वहीं इस फिल्म में सियासत की बातें भरपूर हैं और साथ ही शाहरुख का स्वैग भी है। दक्षिण फिल्म निर्माता एटली द्वारा निर्देशित फिल्म जवान में शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण और संजय दत्त समेत कई अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं। इस फिल्म में जवान के अलावा किसानों पर फोकस किया गया है, जो कई साल से सुनने को हमें मिल रहा है कि कर्जे के बोझ तले दबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। वहीं इन सब के पीछे सिस्टम को कसूरवार दिखाया गया है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। किसान जवान फिल्म को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बड़े पर्दे पर किसी दिग्गज अभिनेता ने हमारी आवाज उठाई है, जो किसानों की असली दुर्दशा दिखाता है। मालूम हो कि ऐसा पहली बार नहीं है कि शाहरुख खान ने किसानों की बात की है। इससे पहले भी वो कई दफा किसानों की बात कर चुके हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें शाहरुख किसानों को असली हीरो कहते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस पुराने वीडियो में शाहरुख खान किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हमारे जो किसान भाई और बहन लोग हैं, जो आप लोग हैं महाराष्ट्र में, वो असली हीरो हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं। मैं दिल्ली और मुंबई का हूँ तो मुझे शायद गांव के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं है।
लेकिन मैं समझ पाता हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। कड़ी धूप में बीज डालते हैं, उसके बाद सिंचाई, उपजाई और कटाई होती है। वीडियो में शाहरुख आगे कहते हैं, यह सब होने के बावजूद भी कभी कभी भगवान, अल्लाह और नेचर हमारा साथ नहीं देती और बारिश, पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। आप हीरो इसलिए हैं कि जिस चीज पर आप निर्भर हैं, जिस पर आपकी रोजी रोटी चलती है, जिस चीज की वजह से हम लोग पल पाते हैं, वो जिस चीज पर आप निर्भर हैं, कभी कभी वो भी आपको नहीं मिली, तो आज आपने साबित कर दिया कि उसको भी यानी पानी को भी आप खुद उपजा लेंगे, तो असली हीरो आप लोग हैं। दर्द महसूस करें और आरोप प्रत्यारोप बंद करें। शाहरुख खान। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स ट्विटर पर सक्रिय रहने के लिए जाने जाने वाले शाहरुख खान नियमित रूप से अपने प्रशंसकों के लिए अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों से अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। अभिनेता अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर भी अपनी राय और विचार व्यक्त करने के लिए भी ट्विटर का उपयोग करते हैं। इसी क्रम में अप्रैल 2015 में शाहरुख खान ने किसानों की आत्महत्या को लेकर एक एक्स किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, कोई भी खुद को नहीं मारता, अपना जीवन खत्म कर लेता है, वे ऐसा करते हैं ताकि दर्द खत्म हो जाए। एक क्षण रुकें, दर्द को महसूस करें, लाभ की तलाश न करें और आरोप प्रत्यारोप का खेल बंद करें। शाहरुख खान की जवान थिएटर्स में लग चुकी है, बिलाशक ये उनके करियर की सबसे मसालेदार फिल्म है। इसमें आपको तकरीबन हर वो एलिमेंट मिलेगा जो किसी मेनस्ट्रीम एंटरटेनिंग फिल्म में होना चाहिए। एक के पैसे में दो दो शाहरुख खान मिल रहे हैं, इससे ज्यादा पब्लिक को क्या चाहिए। बेहतर फिल्म जवान को देखते हुए कई मौकों पर ऐसा लगता है कि शाहरुख जो चीजें अपने असल जीवन में नहीं कर पाते हैं, वो उन्होंने इस फिल्म में की है। मसलन देश के सामाजिक राजनीतिक मसलों पर खुलकर अपनी बात रखना। देखिए, जवान ने कभी हमसे एकदम अलहदा फिल्म होने का वादा नहीं किया था, वो है भी नहीं। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ टिकट खिड़की पर पैसे कमाने के मकसद से बनाई गई है और फिल्म खूब सारे पैसे कमाएगी भी। शाहरुख को जितना क्रांतिकारी सिनेमा करना था, उन्होंने 2014 से 2019 तक कर लिया। अब वो वही करेंगे जो पब्लिक देखना चाहती है, जो कि सही भी है। डॉट सबको पता है कि जवान में शाहरुख खान का डबल रोल है। इस फिल्म से मेरा हासिल विक्रम राठौड़ का पिता वाला किरदार है, जिसकी बैक स्टोरी चक दे इंडिया वाले कबीर खान की तरह है, मगर थोड़ा मैस्कुलिन, सिनेमैटिक और स्वैगर से भरपूर। फिल्म के आखिर में एक सीन है जहां आजाद और विक्रम विलन से लड़ रहे हैं। काली उनके ऊपर शॉटगन से गोली दाग रहा है। ये दोनों लोग एक शीर के पीछे छुपे हैं। पहली गोली लगते ही विक्रम और आजाद दोनों थोड़ा पीछे की ओर सरकते हैं। पर्सनली ये फिल्म का इकलौता सीन है जिसे मैं दोबारा या रिवाइंड करके देखना चाहूंगा। डॉट जवान खालिस मसाला सिनेमा है, जिसको साउथ स्टाइल में ट्रीट किया गया है। कथानक से लेकर मैसेज तक सब कुछ, कैरेक्टर्स के लुक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कैरेक्टर्स की तर्ज पर बनाए गए हैं। फिल्म का एक सीन देखकर तो जीरो डार्क 30 की याद आ जाती है। फिल्म के सब प्लॉट्स में कई सामाजिक मसलों को छूने की कोशिश की गई है, मगर वो जेन्युइन एफर्ट नहीं लगता। इन्हें दर्शकों को ब्लैकमेल करने के लिए सिनेमैटिक टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस फिल्म की सबसे ज्यादा खलने वाली चीज मुझे यही लगी, जवान उन चीजों को पकड़ती है जिसे लेकर सोसाइटी बहुत टची है। किसानों की आत्महत्या, बच्चों की जान का खतरा, प्रेग्नेंट महिलाएं, अल्पसंख्यक लोग, भ्रष्टाचार, चुनावों की रिगिंग, इनमें से हर चीज आपको परेशान करती है, क्योंकि वाकई वो जरूरी मसले हैं जिन पर बात होनी चाहिए। फर्क बस ये है कि उन मसलों पर किस नियत से बात की जा रही है। क्या वाकई फिल्म या इसे बनाने वाले इन सामाजिक मसलों को लेकर फिक्रमंद हैं, या जवान को महिला केंद्रित फिल्म कहकर प्रमोट किया जा रहा था। कहने को तो दंगल भी महिला प्रधान फिल्म थी, मगर थी क्या। जवान में आपको 6 महिला किरदार नजर आते हैं। उन सबकी कहानी फिल्म के लिए अलग अलग सब प्लॉट्स तैयार करती है। पूरी कहानी में सिर्फ उनका इतना ही रोल है, सानिया मल्होत्रा से लेकर प्रियमन,
विजय सेतुपति एकदम टिपिकल विलन बने हैं, जो पहले राउंड में हीरो को हरा देता है। दूसरे राउंड में हीरो विलन से बदला लेने आता है। विजय सेतुपति के काली के किरदार को थोड़ा और उभर कर आने दिया जाता तो शायद फिल्म और रोचक बन सकती थी। हालांकि उनका एक सीन है जब वो अपने गुर्गों से कहते हैं कि आजाद और विक्रम को खत्म करो, वरना ये लोग गाना गाने लगेंगे और उन्हें सुनना पड़ेगा। फिल्म में दो सुपरस्टार्स के कैमियो हैं, जो हद से ज्यादा निराशाजनक हैं। फिल्म का एंड देखकर तो मुझे एक बार को लगा आयला अब्बास मुस्तन की रेस। ये फिल्म जितनी शाहरुख खान की है उतनी ही एटली की भी है। एटली को एलिवेशन वाले सीन्स का मास्टर माना जाता है, वो यहां भी करते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तगड़ा है, खासकर जवान थीम, मगर चलेया के अलावा कोई भी गाना याद नहीं रहता। कुल जमा बात यह है कि तमाम खामियों के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि जवान आपको वो नहीं देती जिसका वादा फिल्म ने किया था। एंटरटेनमेंट, शाहरुख पठान के बाद जवान के तौर पर एक अच्छा फॉलोअप डिलीवर करना चाहते थे, वो उन्होंने कर दिया है, क्योंकि ये फिल्म झोंककर पैसा कमाने वाली है। जवान को देखकर मुझे आजकल सोशल मीडिया पर चलने वाला मीम रूपी कथन याद आता है, ऐसा नजारा कदाचित सिनेमा घर में पहली बार देखने को मिल रहा था। शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म जवान गुरुवार 7 सितंबर को रिलीज हो गई है। पहला शो अल सुबह 6 बजे का था और सुबह का ये शो भी हाउसफुल था। फिल्म को लेकर SRK के फैंस का पागलपन अपने सातवें आसमान पर है। फिल्म की शुरुआत में शाहरुख की एंट्री पर ऑडियंस क्रेजी होकर चीखने चिल्लाने लगी, सीटियों और तालियों की बौछार हो गई। फिल्म खत्म होने के बाद लोग नाच गाकर इसका जश्न मना रहे थे। कहीं ढोलन गाड़ों के साथ फिल्म की रिलीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो कहीं जन्माष्टमी के अवसर पर उनके कटआउट को दूर से नहलाया जा रहा है। 35 करोड़ की बम्पर एडवांस बुकिंग के साथ जवान रिलीज हुई है और इसका असर सिनेमाघर के अंदर और बाहर साफ दिखता है। कहानी की बात करें तो जवान के प्लॉट में कई परतें हैं। फिल्म की शुरुआत मुंबई मेट्रो के हाईजैक से होती है, जहां आजाद शाहरुख खान वेश बदलकर अपनी गर्ल गैंग लक्ष्मी, प्रियामनी, ईरम, सानिया मल्होत्रा, हेलना, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, लहर खान के साथ मिलकर ये काम करता है। इस गर्ल गैंग की सभी लड़कियों का एक दर्दनाक अतीत है, जिसके कारण वे आजाद का साथ देने को राजी होती हैं। शुरू में विलेन दिखने वाला आजाद असल में रॉबिन हुड है, जो काली करतूतें करने वाले सफेदपोश बिजनेसमैन काली गायकवाड़ विजय सेतुपति से फिरौती की एक मोटी रकम लेता है और उसे कर्ज में डूबे उन किसानों के बैंक अकाउंट में जमा करा देता है। ये किसान बैंक के कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या को मजबूर हो चुके थे। काली को ये पैसे इसलिए भी देने पड़ते हैं क्योंकि उस मित्रों में उसकी बेटी भी थी। सिस्टम के मारी लाचार और पीड़ित आम जनता का मसीहा आजाद यहीं तक नहीं रुकता। वह अपनी जांबाज लड़कियों की टोली के साथ हेल्थ मिनिस्टर को अगवा करके सरकारी अस्पतालों में चल रहे करप्शन और दुर्दशा का भंडाफोड़ करता है और महज 5 घंटों में उसे सुधरवाता भी है। आजाद की असलियत का पता लगाकर उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस चीफ नर्मदा नयनतारा को अपॉइंट किया जाता है। नर्मदा जिस आजाद को पकड़ने के लिए जी जान लगा रही है, वही उससे शादी करके उसकी बेटी को अपनाने की पहल करता है। एन शादी के दिन नर्मदा को आजाद की असलियत पता चलती है। आजाद की अपनी बैक स्टोरी है। वह सेना में स्पेशल टास्क की जिम्मेदारी निभाने वाले बहादुर देशभक्त विक्रम राठौड़ का बेटा है। 30 साल पहले जब विक्रम ने एक मिशन के दौरान बिजनेसमैन काली के वेपन घोटाले की पोल खोली थी, तब काली विक्रम को देशद्रोही साबित करके मौत के घाट उतार देता है। विक्रम की पत्नी ऐश्वर्या दीपिका पादुकोण को फांसी की सजा दी जाती है, मगर विक्रम मौत के मुंह से बच तो जाता है। उसकी याददाश्त जा चुकी है। ऐश्वर्या अपने 5 साल के बेटे आजाद को मरते समय बता देती है कि उसका पिता विक्रम देशद्रोही नहीं बल्कि देशभक्त था। आजाद को उसकी मुंहबोली माँ रिद्धि डोगरा पाल पोसकर बड़ा करती है और उसे भीलवाड़ा जेल का जेलर बनाती है। क्या आजाद अपने पिता को 30 साल बाद देशभक्त साबित करके अपनी माँ की मौत का बदला ले पाएगा? क्या विक्रम की याददाश्त वापस आ पाएगी?
क्या आजाद रॉबिनहुड बनकर गरीब और सिस्टम की मार झेलने वालों की मदद जारी रखेगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। निर्देशन की बात करें तो एटली की यह फिल्म हर तरह से मसालेदार है, मगर निर्देशक ने उसमें 30 साल का लीप लेकर उसे आज के दौर के मुद्दों से जोड़ा है। किसानों की दुर्दशा और आत्महत्या का मुद्दा हो या फिर सरकारी अस्पतालों की बदहाली, आम आदमी इस सिस्टम के कुचक्र में कैसे फंसता है, इसे इटली ने एक्शन इमोशन के साथ परोसा है। फिल्म में दो कहानियां समानांतर ढंग से चलती हैं, जिसमें शाहरुख खान यंतारा वर्तमान में हैं और दीपिका अतीत में। हालांकि एटली की फिल्म में कई टर्न और ट्विस्ट हैं। इंटरवल का पॉइंट भी दिलचस्प है, मगर कई जगह पर निर्देशक सिनेमैटिक लिबर्टी लेने से नहीं चुके। कहीं कहीं पर फिल्म मेलोड्रामेटिक भी होती है, मगर किरदार उसे निभा ले जाते हैं। किसान का बेबस होकर फांसी लगाने का दृश्य हृदय विदारक है। रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन दृश्यों में देश दुनिया से एक साथ आए 6 एक्शन निर्देशकों का जलवा साफ मालूम पड़ता है। एटली और रामनागर निवासन द्वारा लिखित पटकथा आकर्षक और मनोरंजक है। हाँ, फिल्म का रन टाइम लंबा 2 घंटे 45 मिनट है। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर मच्छर मारने की 5 घंटे चलने वाले कॉइल के बारे में आप इतनी पूछताछ करते हैं, मगर 5 साल तक चलने वाली सरकार से कुछ नहीं पूछते। जवान एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एटली ने सहलिखित और निर्देशित किया है। यह एटली पहली हिंदी फिल्म है। दो, यह रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान पिता और पुत्र की भूमिका में हैं, जो कि हमशक्ल है, जो समाज में भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए मिलकर काम करते हैं। नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण विशेष उपस्थिति के रूप में प्रस्तुत प्रियामणि और सानिया मल्होत्रा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म की शूटिंग सितंबर 2021 में शुरू हुई और फरवरी 2023 में पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में फिल्मांकन के साथ समाप्त हुई। यह 2 जून 2023 को नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित थी, 3, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अधिक काम की आवश्यकता के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी के अवसर पर रिलीज हो चुकी है। जवान बॉलीवुड की तरफ से रिलीज होने वाली पहली पेन इंडिया फिल्म होगी। 4, अपनी रिलीज के 18वें दिन जवान ने 1,000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। ऐसा करने वाली यह भारत की 6ठी और बॉलीवुड की 3री फिल्म है। इसी के साथ शाहरुख खान इकलौते ऐसे अभिनेता बन गए जिसके नाम 2 1,000 करोड़ की फिल्में हो। फिल्म 2 नवंबर 2023 को खान के जन्मदिन पर ओटीटी मंच नेटफ्लिक्स पर विस्तारण के साथ हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई थी। 5, विक्रम राठौड़ एक पूर्व सैनिक है जो अपने अतीत को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां वह देश भर में डकैतियों की एक श्रृंखला में 6 कुशल महिलाओं की एक टीम का नेतृत्व भी करता है और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को पता चलता है कि उसका खोया हुआ बेटा आजाद राठौड़ एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है, जिसे दुनिया के 4थे सबसे बड़े हथियार डीलर उसके दुश्मन काली द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। विक्रम काली को खत्म करने के मिशन पर निकलता है और सरकार के सामने कुछ मांगे भी रखता है। इस प्रकार एक रोमांचक और बड़े दांव वाले प्रदर्शन के लिए मंच तैयार करता है। पात्र, शाहरुख खान दोहरी भूमिका में विक्रम राठौड़ और आजाद राठौड़ के रूप में, नयनतारा, विजय सेतुपति, प्रियामणि, सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर, योगी बाबू, रिद्धि डोगरा, आस्था अग्रवाल, संजीता भट्टाचार्य, अमृता अय्यर, केनी बसुमतारी, गिरिजा ओक, लेहर खान, अश्लेषा ठाकुर, आलिया कुरेशी, जफर सादिक, गणेश गुरुंग, ऋतुजा शिंदे, विजय विशेष उपस्थिति, दीपिका पादुकोण विशेष उपस्थिति, संजय दत्त विशेष उपस्थिति, एटली जिंदा बंदा गाने में, संगीत जवान, साउंडट्रैक अनिरुद्ध रविचंदर द्वारा। जारी 2023, रिकॉर्डिंग 2022 से 2023, संगीत शैली फिल्म साउंडट्रैक, भाषा हिंदी, लेबल टी सीरीज, निर्माता अनिरुद्ध रविचंदर,
कथित तौर पर एआर रहमान को फिल्म के संगीत की रचना करने के लिए निर्देशक एटली द्वारा संपर्क किया गया था। बाद में रहमान ने अस्पष्ट कारणों से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अनिरुद्ध रविचंद्र को फिल्म के संगीत की रचना करने के लिए चुना गया, जो इस प्रकार बॉलीवुड में एक एकल संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत करेंगे, जिन्होंने पहले डेविड के लिए एक गीत और जर्सी के पृष्ठभूमि स्कोर की रचना की थी। संगीत के अधिकार टी सीरीज ने हासिल किए हैं। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में दिखाया गया ट्रैक जवान प्रीव्यू थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। 6. इसमें राजा कुमारी द्वारा लिखित और प्रस्तुत किया गया रैप था, जिसमें अनिरुद्ध रविचंद्र और बीए नजनिक ने प्रदर्शन किया था। 7. फिल्म का पहला गीत जिंदा बंदा 31 जुलाई 2023 को यूट्यूब पर टी सीरीज चैनल पर रिलीज हुआ। 8. इसे 24 घंटों के भीतर 46 मिलियन से अधिक बार देखा गया, जिसने 24 घंटों में सर्वाधिक देखे जाने वाले भारतीय गीत का सर्वकालिक रिकॉर्ड स्थापित किया। 9. तथा फिल्म का दूसरा गीत चलेया 14 अगस्त 2023 को यूट्यूब पर टी सीरीज चैनल पर रिलीज हुआ। 10. उत्पादन 2019 के अंत में यह अफवाहें थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म निर्देशक एटली के साथ काम करेंगे और इसकी पुष्टि 2020 में की हो गई। 11-12 मई 2021 में यह बताया जा रहा था कि फिल्मांकन जल्द ही शुरू होगा। 13. फिल्म का निर्माण गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत किया है, जबकि गौरव वर्मा सह निर्माता के रूप में काम करते हैं। कंपनी ने परियोजना की पुष्टि करते हुए 3 जून 2022 को एक सार्वजनिक घोषणा की। यह फिल्म 300 करोड़ के बजट पर बन रही है। अभिनेताओं की कास्टिंग मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। बताया गया कि शाहरुख पिता और पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका निभाएंगे और 6 अलग अलग लुक में नजर आएंगे। नयनतारा को खान के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में अंतिम रूप दिया गया और इस तरह यह उनकी हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म थी। प्रियामणि, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबू बाद में कलाकारों में शामिल हुए। एक दशक के बाद खान के साथ फिर से जुड़ते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के साथ अभिनय किया था। राणा दग्गुबाती को प्रतिपक्षी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया और इस तरह यह भूमिका विजय सेतुपति को मिल गई। दीपिका पादुकोण अगस्त 2022 में चेन्नई में अपनी विशेष उपस्थिति की शूटिंग के लिए कलाकारों में शामिल हुई। सितंबर 2022 में विजय के फिल्म में कैमियो करने की पुष्टि की गई थी। मार्च 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान कैमियो की शूटिंग के लिए कलाकारों में शामिल हुए। फिल्मांकन प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में पुणे में शुरू हुई। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए। यह पुणे मेट्रो में शूट होने वाली पहली फिल्म है। खान ने जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग फिर से शुरू की। नयनतारा अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को मुंबई शेड्यूल में शामिल हुई। इस शेड्यूल जवान 7 सितंबर 2023 को हिंदी में रिलीज हो चुकी है। इसके अलावा फिल्म को तमिल और तेलुगु जैसी भाषाओं में डब करके रिलीज किया गया। 14. जवान की शूटिंग पूरी हो चुकी है। जवान के मेकर्स इसे 7 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज करने की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। इसके लिए मेकर्स ने जवान का प्रीव्यू भी रिलीज कर दिया है। 15. कथित तौर पर यह फिल्म बॉलीवुड की पहली पैन इंडिया फिल्म होगी। 16. कमाई 3 अक्टूबर 2023 तक फिल्म ने भारत में 726.70 करोड़ US$106.1 मिलियन और विदेशों में 364.19 करोड़ $17 सेंट मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में 1,091 करोड़ $159.29 मिलियन की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। रिलीज के पहले दिन फिल्म के हिंदी संस्करण ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ $65.50 करोड़ US$8.2 मिलियन की कमाई की। इसके डब तमिल और तेलुगु संस्करणों से ₹10 करोड़ US$1.3 मिलियन की कुल कमाई हुई। ₹75.50 करोड़ US$9.5 मिलियन का। दुनिया भर में सभी संस्करणों ने पहले दिन ₹129 करोड़ $16 मिलियन की कमाई की। इसने खान की पिछली रिलीज पठान को पीछे छोड़ते हुए एक हिंदी फिल्म के लिए पहले दिन के कई रिकॉर्ड बनाए।
ऑस्ट्रेलिया में यह बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई, जिसने पहले दिन आओ 400 के की कमाई की। अपने दूसरे दिन हिंदी संस्करण ने भारत में 45 रुपए करोड़ की कमाई की और कुल 110 रुपए करोड़ का शुद्ध संग्रह किया। 17 अपने दूसरे दिन हिंदी संस्करण ने भारत में 45 रुपए करोड़ की कमाई की और कुल 110 रुपए करोड़ का शुद्ध संग्रह किया। तीसरे दिन जवान ने 144 करोड़ की कमाई की, जो आज तक किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए उच्चतम है। यह घरेलू स्तर पर 3 दिनों में 200 रुपए करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने पठान को पीछे छोड़ दिया। यह भारत में 5 दिनों में सबसे तेजी से 300 रुपए करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। यह 9 दिनों में 400 रुपए करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली और घरेलू स्तर पर 13 दिनों में 500 रुपए करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। रिलीज के 17वें दिन यह भारत में कमाई करने वाली सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन गई, जो इससे पहले खान की ही पठान थी। अपनी रिलीज के 18वें दिन जवान ने 1000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। ऐसा करने वाली यह भारत की 6ठी और बॉलीवुड की 3री फिल्म है। इसी के साथ शाहरुख खान इकलौते ऐसे अभिनेता बन गए जिसके नाम 2 1000 करोड़ की फिल्में हो। ऐसा करने वाली यह बॉलीवुड की सबसे तेज फिल्म भी है। भारत के बाहर जवान की विदेशों में शुरुआती सप्ताहांत में कुल कमाई 32.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 12 सितंबर तक इसने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका मेना क्षेत्रों से 8.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर और यूके और यूरोपीय बाजारों से 8.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्र किए। जवान अपने डब संस्करणों में 50 रुपए करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र हिंदी फिल्म बन गई है। जवान को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोस पर जवान को 14 समीक्षाओं में से 93% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 7.410 है। 18 व्यावसायिक रेटिंग, समीक्षकों से प्राप्त रेटिंग, स्रोत रेटिंग IMDb 8/10 32,000 लोग, 19 8/10 स्टार्स, 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 8/10 स्टार्स। तरण आदर्श 4.55 20 4.55 स्टार्स, 4.55 स्टार्स, 4.55 स्टार्स, 4.55 स्टार्स, 4.55 स्टार्स। रॉटेन टमेटोज 7.55 21 7.55 स्टार्स, 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 7.55 स्टार्स। नरेंद्र सैनी NDTV 4.22 4/5 स्टार्स, 4.5 स्टार्स, 4.5 स्टार्स, 4.5 स्टार्स, 4.5 स्टार्स। बॉलीवुड हंगामा के ट्रेड जर्नलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को 4.55 की रेटिंग दी और इसके शानदार प्रदर्शन, रोमांचकारी और ताली बजाने योग्य क्षण, जीवन से बड़े एक्शन दृश्यों और शाहरुख खान के पहले कभी न देखे गए अवतार की प्रशंसा की। 23 फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने जवान की राजनीतिक कहानी कहने की सराहना करते हुए लिखा कि यह साहसपूर्वक और सीधे तौर पर अप्रभावी सरकार पर उंगली उठाती है और उंगली की ताकत को पहचानने और वोट देने की अपील करती है। 24 scroll.in की नंदिनी रामनाथ का मानना है कि फिल्म मुख्य रूप से किंग खान के कारण चली। उन्होंने लिखा कि उनकी स्क्रीन छवि विशाल, प्यार से भरी हुई, आक्रामक रूप से मर्दाना होने के बिना पुराने ढंग से वीरतापूर्ण, अपमानजनक लेकिन ईमानदार भी एक दम्भ बेचने में मदद करती है। वह किसी अन्य अभिनेता के साथ क्रैश हो सकता था। 25 भविष्य, रिलीज के बाद यह खबर आई कि फिल्म का दूसरा भाग भी होगा। फिल्म की सफलता के कारण खान ने फिल्म की अगली कड़ी की संभावना पर जोर दिया। बाद में सितंबर 2023 में एटली ने जवान 2 नामक सीक्वल की स्क्रिप्ट पर अपना काम शुरू कर दिया। पिंकविला के साथ एक साक्षात्कार के दौरान एटली ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि फिल्म का वास्तव में एक सीक्वल होगा और विक्रम राठौड़ के किरदार के आसपास केंद्रित एक स्पिन फिल्म बनाने की योजना का भी खुलासा किया। 26-27 बाद में सितंबर 2023 में यह बताया गया कि एटली ने सीक्वल की स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया है।
सुपरस्टार शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म जवान 7 सितंबर को दुनिया भर में रिलीज हो चुकी है। वहीं इस फिल्म में सियासत की बातें भरपूर हैं और साथ ही शाहरुख का स्वैग भी है। दक्षिण फिल्म निर्माता एटली द्वारा निर्देशित फिल्म जवान में शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण और संजय दत्त समेत कई अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं। इस फिल्म में जवान के अलावा किसानों पर फोकस किया गया है, जो कई साल से सुनने को हमें मिल रहा है कि कर्जे के बोझ तले दबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। वहीं इन सब के पीछे सिस्टम को कसूरवार दिखाया गया है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। किसान जवान फिल्म को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बड़े पर्दे पर किसी दिग्गज अभिनेता ने हमारी आवाज उठाई है, जो किसानों की असली दुर्दशा दिखाता है। मालूम हो कि ऐसा पहली बार नहीं है कि शाहरुख खान ने किसानों की बात की है। इससे पहले भी वो कई दफा किसानों की बात कर चुके हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें शाहरुख किसानों को असली हीरो कहते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस पुराने वीडियो में शाहरुख खान किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हमारे जो किसान भाई और बहन लोग हैं, जो आप लोग हैं महाराष्ट्र में, वो असली हीरो हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं। मैं दिल्ली और मुंबई का हूँ तो मुझे शायद गांव के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन मैं समझ पाता हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। कड़ी धूप में बीज डालते हैं, उसके बाद सिंचाई, उपजाई और कटाई होती है। वीडियो में शाहरुख आगे कहते हैं, यह सब होने के बावजूद भी कभी कभी भगवान, अल्लाह और नेचर हमारा साथ नहीं देती और बारिश, पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। आप हीरो इसलिए हैं कि जिस चीज पर आप निर्भर हैं, जिस पर आपकी रोजी रोटी चलती है, जिस चीज की वजह से हम लोग पल पाते हैं, वो जिस चीज पर आप निर्भर हैं, कभी कभी वो भी आपको नहीं मिली, तो आज आपने साबित कर दिया कि उसको भी, यानी पानी को भी आप खुद उपजा लेंगे, तो असली हीरो आप लोग हैं। दर्द महसूस करें और आरोप प्रत्यारोप बंद करें, शाहरुख खान। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स, ट्विटर पर सक्रिय रहने के लिए जाने जाने वाले शाहरुख खान नियमित रूप से अपने प्रशंसकों के लिए अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों से अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। अभिनेता अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर भी अपनी राय और विचार व्यक्त करने के लिए भी ट्विटर का उपयोग करते हैं। इसी क्रम में अप्रैल 2015 में शाहरुख खान ने किसानों की आत्महत्या को लेकर एक एक्स किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, कोई भी खुद को नहीं मारता, अपना जीवन खत्म कर लेता है, वे ऐसा करते हैं ताकि दर्द खत्म हो जाए। एक क्षण रुकें, दर्द को महसूस करें, लाभ की तलाश न करें और आरोप प्रत्यारोप का खेल बंद करें, शाहरुख खान की जवान थिएटर्स में लग चुकी है। बिलाशक ये उनके करियर की सबसे मसालेदार फिल्म है। इसमें आपको तकरीबन हर वो एलिमेंट मिलेगा जो किसी मेनस्ट्रीम एंटरटेनिंग फिल्म में होना चाहिए। एक के पैसे में दो दो शाहरुख खान मिल रहे हैं, इससे ज्यादा पब्लिक को क्या चाहिए। बेहतर फिल्म जवान को देखते हुए कई मौकों पर ऐसा लगता है कि शाहरुख जो चीजें अपने असल जीवन में नहीं कर पाते हैं, वो उन्होंने इस फिल्म में की है। मसलन देश के सामाजिक राजनीतिक मसलों पर खुलकर अपनी बात रखना। देखिए, जवान ने कभी हमसे एकदम अलहदा फिल्म होने का वादा नहीं किया था, वो है भी नहीं। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ टिकट खिड़की पर पैसे कमाने के मकसद से बनाई गई है, और फिल्म खूब सारे पैसे कमाएगी भी। शाहरुख को जितना क्रांतिकारी सिनेमा करना था, उन्होंने 2014 से 2019 तक कर लिया। अब वो वही करेंगे जो पब्लिक देखना चाहती है, जो कि सही भी है। डॉट सबको पता है कि जवान में शाहरुख खान का डबल रोल है। इस फिल्म से मेरा हासिल विक्रम राठौड़ का पिता वाला किरदार है, जिसकी बैक स्टोरी चक दे इंडिया वाले कबीर खान की तरह है, मगर थोड़ा मैस्कुलिन, सिनेमैटिक और स्वैगर से भरपूर। फिल्म के आखिर में एक सीन है जहां आजाद और विक्रम विलन से लड़ रहे हैं। काली उनके ऊपर शॉटगन से गोली दाग रहा है। ये दोनों लोग एक शेड के पीछे छुपे हैं। पहली गोली लगते ही विक्रम और आजाद दोनों थोड़ा पीछे की ओर सरकते हैं।
पर्सनली ये फिल्म का इकलौता सीन है जिसे मैं दोबारा या रिवाइंड करके देखना चाहूंगा। डॉट जवान खालिस मसाला सिनेमा है जिसको साउथ स्टाइल में ट्रीट किया गया है। कथानक से लेकर मैसेज तक सब कुछ, कैरेक्टर्स के लुक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कैरेक्टर्स की तर्ज पर बनाए गए हैं। फिल्म का एक सीन देखकर तो जीरो डार्क 30 की याद आ जाती है। फिल्म के सब प्लॉट्स में कई सामाजिक मसलों को छूने की कोशिश की गई है मगर वो जेन्युइन एफर्ट नहीं लगता। इन्हें दर्शकों को ब्लैकमेल करने के लिए सिनेमैटिक टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस फिल्म की सबसे ज्यादा खलने वाली चीज मुझे यही लगी, जवान उन चीजों को पकड़ती है जिसे लेकर सोसाइटी बहुत टची है। किसानों की आत्महत्या, बच्चों की जान का खतरा, प्रेग्नेंट महिलाएं, अल्पसंख्यक लोग, भ्रष्टाचार, चुनावों की रिगिंग, इनमें से हर चीज आपको परेशान करती है क्योंकि वाकई वो जरूरी मसले हैं जिन पर बात होनी चाहिए। फर्क बस ये है कि उन मसलों पर किस नियत से बात की जा रही है। क्या वाकई फिल्म या इसे बनाने वाले इन सामाजिक मसलों को लेकर फिक्रमंद हैं? या जवान को महिला केंद्रित फिल्म कहकर प्रमोट किया जा रहा था? कहने को तो दंगल भी महिला प्रधान फिल्म थी मगर थी क्या? जवान में आपको 6 महिला किरदार नजर आते हैं। उन सबकी कहानी फिल्म के लिए अलग अलग सब प्लॉट्स तैयार करती है। पूरी कहानी में सिर्फ उनका इतना ही रोल है। सानिया मल्होत्रा से लेकर प्रियमन, विजय सेतुपति एकदम टिपिकल विलन बने हैं जो पहले राउंड में हीरो को हरा देता है। दूसरे राउंड में हीरो विलन से बदला लेने आता है। विजय सेतुपति के काली के किरदार को थोड़ा और उभर कर आने दिया जाता तो शायद फिल्म और रोचक बन सकती थी। हालांकि उनका एक सीन है जब वो अपने गुर्गों से कहते हैं कि आजाद और विक्रम को खत्म करो वरना ये लोग गाना गाने लगेंगे और उन्हें सुनना पड़ेगा। फिल्म में 2 सुपरस्टार्स के कैमियो हैं जो हद से ज्यादा निराशाजनक हैं। फिल्म का एंड देखकर तो मुझे एक बार को लगा आयला अब्बास मुस्तन की रेस। ये फिल्म जितनी शाहरुख खान की है उतनी ही एटली की भी है। एटली को एलिवेशन वाले सीन्स का मास्टर माना जाता है, वो यहां भी करते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तगड़ा है, खासकर जवान थीम, मगर चलेया के अलावा कोई भी गाना याद नहीं रहता। कुल जमा बात यह है कि तमाम खामियों के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि जवान आपको वो नहीं देती जिसका वादा फिल्म ने किया था। एंटरटेनमेंट, शाहरुख पठान के बाद जवान के तौर पर एक अच्छा फॉलोअप डिलीवर करना चाहते थे, वो उन्होंने कर दिया है क्योंकि ये फिल्म झोंक कर पैसा कमाने वाली है। जवान को देखकर मुझे आजकल सोशल मीडिया पर चलने वाला मीम रूपी कथन याद आता है, ऐसा नजारा कदाचित सिनेमा घर में पहली बार देखने को मिल रहा था। शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म जवान गुरुवार 7 सितंबर को रिलीज हो गई है। पहला शो अल सुबह 6 बजे का था और सुबह का ये शो भी हाउसफुल था। फिल्म को लेकर SRK के फैंस का पागलपन अपने 7वें आसमान पर है। फिल्म की शुरुआत में शाहरुख की एंट्री पर ऑडियंस क्रेजी होकर चीखने चिल्लाने लगी, सीटियों और तालियों की बौछार हो गई। फिल्म खत्म होने के बाद लोग नाच गाकर इसका जश्न मना रहे थे। कहीं ढोलन गाड़ों के साथ फिल्म की रिलीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है तो कहीं जन्माष्टमी के अवसर पर उनके कटआउट को दूध से नहलाया जा रहा है। 35 करोड़ की बम्पर एडवांस बुकिंग के साथ जवान रिलीज हुई है और इसका असर सिनेमाघर के अंदर और बाहर साफ दिखता है। कहानी की बात करें तो जवान के प्लॉट में कई परतें हैं। फिल्म की शुरुआत मुंबई मेट्रो के हाईजैक से होती है जहां आजाद शाहरुख खान वेश बदलकर अपनी गर्ल गैंग लक्ष्मी, प्रियामी, ईरम, सानिया मल्होत्रा, हेलना, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, लहर खान के साथ मिलकर ये काम करता है। इस गर्ल गैंग की सभी लड़कियों का एक दर्दनाक अतीत है जिसके कारण वे आजाद का साथ देने को राजी होती हैं। शुरू में विलेन दिखने वाला आजाद असल में रॉबिन हुड है जो काली करतूतें करने वाले सफेदपोश बिजनेसमैन काली गायकवाड़ विजय सेतुपति से फिरौती की एक मोटी रकम लेता है और उसे कर्ज में डूबे उन किसानों के बैंक अकाउंट में जमा करा देता है। ये किसान बैंक के कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या को मजबूर हो चुके थे।
काली को ये पैसे इसलिए भी देने पड़ते हैं क्योंकि उस मित्रों में उसकी बेटी भी थी। सिस्टम के मारी लाचार और पीड़ित आम जनता का मसीहा आजाद यहीं तक नहीं रुकता। वह अपनी जांबाज लड़कियों की टोली के साथ हेल्थ मिनिस्टर को अगवा करके सरकारी अस्पतालों में चल रहे करप्शन और दुर्दशा का भंडाफोड़ करता है और महज 5 घंटों में उसे सुधरवाता भी है। आजाद की असलियत का पता लगाकर उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस चीफ नर्मदा नयनतारा को अपॉइंट किया जाता है। नर्मदा जिस आजाद को पकड़ने के लिए जी जान लगा रही है वही उससे शादी करके उसकी बेटी को अपनाने की पहल करता है। एन शादी के दिन नर्मदा को आजाद की असलियत पता चलती है। आजाद की अपनी बैक स्टोरी है। वह सेना में स्पेशल टास्क की जिम्मेदारी निभाने वाले बहादुर देशभक्त विक्रम राठौड़ का बेटा है। 30 साल पहले जब विक्रम ने एक मिशन के दौरान बिजनेसमैन काली के वेपन घोटाले की पोल खोली थी तब काली विक्रम को देशद्रोही साबित करके मौत के घाट उतार देता है। विक्रम की पत्नी ऐश्वर्या दीपिका पादुकोण को फांसी की सजा दी जाती है मगर विक्रम मौत के मुंह से बच तो जाता है। उसकी याददाश्त जा चुकी है। ऐश्वर्या अपने 5 साल के बेटे आजाद को मरते समय बता देती है कि उसका पिता विक्रम देशद्रोही नहीं बल्कि देशभक्त था। आजाद को उसकी मुंहबोली मां रिद्धि डोगरा पालपोस कर बड़ा करती है और उसे भीलवाड़ा जेल का जेलर बनाती है। क्या आजाद अपने पिता को 30 साल बाद देशभक्त साबित करके अपनी मां की मौत का बदला ले पाएगा? क्या विक्रम की याददाश्त वापस आ पाएगी? क्या आजाद रॉबिनहुड बनकर गरीब और सिस्टम की मार झेलने वालों की मदद जारी रखेगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। निर्देशन की बात करें तो एटली की यह फिल्म हर तरह से मसालेदार है मगर निर्देशक ने उसमें 30 साल का लीप लेकर उसे आज के दौर के मुद्दों से जोड़ा है। किसानों की दुर्दशा और आत्महत्या का मुद्दा हो या फिर सरकारी अस्पतालों की बदहाली, आम आदमी इस सिस्टम के कुचक्र में कैसे फंसता है इसे इटली ने एक्शन इमोशन के साथ परोसा है। फिल्म में 2 कहानियां समानांतर ढंग से चलती हैं, जिसमें शाहरुख नयनतारा वर्तमान में हैं और दीपिका अतीत में। हालांकि इटली की फिल्म में कई टर्न और ट्विस्ट हैं। इंटरवल का पॉइंट भी दिलचस्प है मगर कई जगह पर निर्देशक सिनेमैटिक लिबर्टी लेने से नहीं चुके। कहीं कहीं पर फिल्म मेलोड्रामेटिक भी होती है मगर किरदार उसे निभा ले जाते हैं। किसान का बेबस होकर फांसी लगाने का दृश्य हृदय विदारक है। रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन दृश्यों में देश दुनिया से एक साथ आए 6 एक्शन निर्देशकों का जलवा साफ मालूम पड़ता है। एटली और रामनागर निवासन द्वारा लिखित पटकथा आकर्षक और मनोरंजक है। हाँ, फिल्म का रन टाइम लंबा 2 घंटे 45 मिनट है। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर मच्छर मारने की 5 घंटे चलने वाले कॉइल के बारे में आप इतनी पूछताछ करते हैं मगर 5 साल तक चलने वाली सरकार से कुछ नहीं पूछते। जवान एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे एटली ने सहलिखित और निर्देशित किया है। यह एटली पहली हिंदी फिल्म है। यह रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान पिता और पुत्र की भूमिका में हैं, जो कि हमशक्ल है जो समाज में भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए मिलकर काम करते हैं। नयनतारा विजय सेतुपति दीपिका पादुकोण विशेष उपस्थिति के रूप में प्रस्तुत प्रियामणि और सानिया मल्होत्रा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म की शूटिंग सितंबर 2021 में शुरू हुई और फरवरी 2023 में पुणे मुंबई हैदराबाद चेन्नई और औरंगाबाद में फिल्मांकन के साथ समाप्त हुई। यह 2 जून 2023 को नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित थी 3 लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अधिक काम की आवश्यकता के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी के अवसर पर रिलीज हो चुकी है। जवान बॉलीवुड की तरफ से रिलीज होने वाली पहली पेन इंडिया फिल्म होगी। 4 अपनी रिलीज के 18वें दिन जवान ने 1,000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। ऐसा करने वाली यह भारत की 6ठी और बॉलीवुड की 3री फिल्म है। इसी के साथ शाहरुख खान इकलौते ऐसे अभिनेता बन गए जिसके नाम 2 1,000 करोड़ की फिल्में हो। फिल्म 2 नवंबर 2023 को खान के जन्मदिन पर ओटीटी मंच नेटफ्लिक्स पर विस्तारण के साथ हिंदी तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई थी।
5. विक्रम राठौड़ एक पूर्व सैनिक है जो अपने अतीत को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, जहां वह देश भर में डकैतियों की एक श्रृंखला में 6 कुशल महिलाओं की एक टीम का नेतृत्व भी करता है और मुंबई मेट्रो को हाईजैक करता है। विक्रम को पता चलता है कि उसका खोया हुआ बेटा आजाद राठौड़ एक ईमानदार पुलिस अधिकारी है, जिसे दुनिया के चौथे सबसे बड़े हथियार डीलर उसके दुश्मन काली द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। विक्रम काली को खत्म करने के मिशन पर निकलता है और सरकार के सामने कुछ मांगे भी रखता है। इस प्रकार एक रोमांचक और बड़े दांव वाले प्रदर्शन के लिए मंच तैयार करता है। पात्र शाहरुख खान, दोहरी भूमिका में विक्रम राठौड़ और आजाद राठौड़ के रूप में। नयनतारा विजय सेतुपति, प्रियामणि सानिया मल्होत्रा, सुनील ग्रोवर, योगी बाबू, रिद्धि डोगरा, आस्था अग्रवाल, संजीता भट्टाचार्य, अमृता अयर, केनी बसुमतारी, गिरिजा ओक, लेहर खान, अश्लेषा ठाकुर, आलिया कुरेशी, जफर सादिक, गणेश गुरुंग, ऋतुजा शिंदे, विजय विशेष उपस्थिति, दीपिका पादुकोण विशेष उपस्थिति, संजय दत्त विशेष उपस्थिति। एटली जिंदा बंदा गाने में। संगीत जवान, साउंडट्रैक अनिरुद्ध रविचंदर द्वारा। जारी 2023, रिकॉर्डिंग 2022 से 2023। संगीत शैली फिल्म साउंडट्रैक। भाषा हिंदी। लेबल टी सीरीज। निर्माता अनिरुद्ध रविचंदर। कथित तौर पर एआर रहमान को फिल्म के संगीत की रचना करने के लिए निर्देशक एटली द्वारा संपर्क किया गया था। बाद में रहमान ने अस्पष्ट कारणों से प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और अनिरुद्ध रविचंदर को फिल्म के संगीत की रचना करने के लिए चुना गया, जो इस प्रकार बॉलीवुड में एक एकल संगीतकार के रूप में अपनी शुरुआत करेंगे, जिन्होंने पहले डेविड के लिए एक गीत और जर्सी के पृष्ठभूमि स्कोर की रचना की थी। संगीत के अधिकार टी सीरीज ने हासिल किए हैं। 2 मिनट के प्रोमो वीडियो में दिखाया गया ट्रैक जवान प्रीव्यू थीम 10 जुलाई 2023 को जारी किया गया था। 6. इसमें राजा कुमारी द्वारा लिखित और प्रस्तुत किया गया रैप था, जिसमें अनिरुद्ध रविचंदर और बीए नजनिक ने प्रदर्शन किया था। 7. फिल्म का पहला गीत जिंदा बंदा 31 जुलाई 2023 को यूट्यूब पर टी सीरीज चैनल पर रिलीज हुआ। 8. इसे 24 घंटों के भीतर 46 मिलियन से अधिक बार देखा गया, जिसने 24 घंटों में सर्वाधिक देखे जाने वाले भारतीय गीत का सर्वकालिक रिकॉर्ड स्थापित किया। 9. तथा फिल्म का दूसरा गीत चलेया 14 अगस्त 2023 को यूट्यूब पर टी सीरीज चैनल पर रिलीज हुआ। 10. उत्पादन 2019 के अंत में यह अफवाहें थी कि शाहरुख खान तमिल फिल्म निर्देशक एटली के साथ काम करेंगे और इसकी पुष्टि 2020 में की हो गई। 11-12 मई 2021 में यह बताया जा रहा था कि फिल्मांकन जल्द ही शुरू होगा। 13. फिल्म का निर्माण गौरी खान ने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत किया है, जबकि गौरव वर्मा सह निर्माता के रूप में काम करते हैं। कंपनी ने परियोजना की पुष्टि करते हुए 3 जून 2022 को एक सार्वजनिक घोषणा की। यह फिल्म 300 करोड़ के बजट पर बन रही है। अभिनेताओं की कास्टिंग। मुकेश छाबड़ा कास्टिंग डायरेक्टर थे। बताया गया कि शाहरुख पिता और पुत्र के रूप में दोहरी भूमिका निभाएंगे और 6 अलग अलग लुक में नजर आएंगे। नयनतारा को खान के साथ मुख्य अभिनेत्री के रूप में अंतिम रूप दिया गया और इस तरह यह उनकी हिंदी सिनेमा में पहली फिल्म थी। प्रियामणि, सुनील ग्रोवर, सानिया मल्होत्रा और योगी बाबू बाद में कलाकारों में शामिल हुए। एक दशक के बाद खान के साथ फिर से जुड़ते हुए बाबू ने आखिरी बार चेन्नई एक्सप्रेस 2013 में खान के साथ अभिनय किया था। राणा दग्गुबाती को प्रतिपक्षी भूमिका की पेशकश की गई थी, लेकिन उन्होंने स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया और इस तरह यह भूमिका विजय सेतुपति को मिल गई। दीपिका पादुकोण अगस्त 2022 में चेन्नई में अपनी विशेष उपस्थिति की शूटिंग के लिए कलाकारों में शामिल हुई। सितंबर 2022 में विजय के फिल्म में कैमियो करने की पुष्टि की गई थी। मार्च 2023 में संजय दत्त एक एक्शन सीन के दौरान कैमियो की शूटिंग के लिए कलाकारों में शामिल हुए। फिल्मांकन। प्रिंसिपल फोटोग्राफी सितंबर 2021 में पुणे में शुरू हुई। शाहरुख खान और नयनतारा 10 दिनों की शूटिंग में शामिल हुए।
यह पुणे मेट्रो में शूट होने वाली पहली फिल्म है। खान ने जून 2022 में हैदराबाद में शूटिंग फिर से शुरू की। नयनतारा अपनी शादी के बाद 26 जून 2022 को मुंबई शेड्यूल में शामिल हुई। इस शेड्यूल जवान 7 सितंबर 2023 को हिंदी में रिलीज हो चुकी है। इसके अलावा फिल्म को तमिल और तेलुगु जैसी भाषाओं में डब करके रिलीज किया गया। 14 जवान की शूटिंग पूरी हो चुकी है। जवान के मेकर्स इसे 7 सितंबर को सिनेमा घरों में रिलीज करने की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। इसके लिए मेकर्स ने जवान का प्रीव्यू भी रिलीज कर दिया है। 15 कथित तौर पर यह फिल्म बॉलीवुड की पहली पैन इंडिया फिल्म होगी। 16 कमाई 3 अक्टूबर 2023 तक फिल्म ने भारत में 726.70 करोड़ यूएस 106.1 मिलियन और विदेशों में 364.19 करोड़ यूएस डॉलर 17 सेंट मिलियन की कमाई की और दुनिया भर में 1,091.159 यूएस डॉलर 29 सेंट मिलियन की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। रिलीज के पहले दिन फिल्म के हिंदी संस्करण ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ 65.50 करोड़ यूएस 8.2 मिलियन की कमाई की। इसके डब तमिल और तेलुगु संस्करणों से 10 करोड़ यूएस 1.3 मिलियन की कुल कमाई हुई। 75.50 करोड़ यूएस 9.5 मिलियन का। दुनिया भर में सभी संस्करणों ने पहले दिन 129 करोड़ 16 यूएस डॉलर मिलियन की कमाई की। इसने खान की पिछली रिलीज पठान को पीछे छोड़ते हुए एक हिंदी फिल्म के लिए पहले दिन के कई रिकॉर्ड बनाए। ऑस्ट्रेलिया में यह बॉक्स ऑफिस पर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई, जिसने पहले दिन आउ 400K की कमाई की। अपने दूसरे दिन हिंदी संस्करण ने भारत में 45 करोड़ की कमाई की और कुल 110 करोड़ का शुद्ध संग्रह किया। 17 अपने दूसरे दिन हिंदी संस्करण ने भारत में 45 करोड़ की कमाई की और कुल 110 करोड़ का शुद्ध संग्रह किया। तीसरे दिन जवान ने 144 करोड़ की कमाई की, जो आज तक किसी बॉलीवुड फिल्म के लिए उच्चतम है। यह घरेलू स्तर पर 3 दिनों में 200 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई, जिसने पठान को पीछे छोड़ दिया। यह भारत में 5 दिनों में सबसे तेजी से 300 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। यह 9 दिनों में 400 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली और घरेलू स्तर पर 13 दिनों में 500 करोड़ से अधिक की कमाई करने वाली पहली हिंदी फिल्म बन गई। रिलीज के 17वें दिन यह भारत में कमाई करने वाली सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन गई, जो इससे पहले खान की ही पठान थी। अपनी रिलीज के 18वें दिन जवान ने 1,000 करोड़ का आंकड़ा छू लिया। ऐसा करने वाली यह भारत की 6ठी और बॉलीवुड की 3री फिल्म है। इसी के साथ शाहरुख खान इकलौते ऐसे अभिनेता बन गए जिसके नाम 2 1,000 करोड़ की फिल्में हो। ऐसा करने वाली यह बॉलीवुड की सबसे तेज फिल्म भी है। भारत के बाहर जवान की विदेशों में शुरुआती सप्ताहांत में कुल कमाई 32.62 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। 12 सितंबर तक इसने मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका मेना क्षेत्रों से 8.64 मिलियन अमेरिकी डॉलर और यूके और यूरोपीय बाजारों से 8.22 मिलियन अमेरिकी डॉलर एकत्र किए। जवान अपने डब संस्करणों में 50 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली एकमात्र हिंदी फिल्म बन गई है। जवान को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर जवान को 14 समीक्षाओं में से 93% की अनुमोदन रेटिंग मिली है, जिसका औसत स्कोर 7.4/10 है। 18 व्यावसायिक रेटिंग, समीक्षकों से प्राप्त रेटिंग, स्रोत रेटिंग IMDb 8/10 32,000 लोग 19 8/10 स्टार्स 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 8/10 स्टार्स। तरण आदर्श 4.55 20 4.55 स्टार्स 4.55 स्टार्स 4.55 स्टार्स 4.55 स्टार्स 4.55 स्टार्स। रॉटेन टमेटोज 7.55 21 7.55 स्टार्स 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 7.55 स्टार्स।
नरेंद्र सैनी NDTV 4/22 4/5 स्टार्स 4/5 स्टार्स 4/5 स्टार्स 4/5 स्टार्स 4/5 स्टार्स। बॉलीवुड हंगामा के ट्रेड जर्नलिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को 4.55 की रेटिंग दी और इसके शानदार प्रदर्शन, रोमांचकारी और ताली बजाने योग्य क्षण, जीवन से बड़े एक्शन दृश्यों और शाहरुख खान के पहले कभी न देखे गए अवतार की प्रशंसा की। 23 फिल्म को 5 में से 4 स्टार देते हुए Rediff.com की सुकन्या वर्मा ने जवान की राजनीतिक कहानी कहने की सराहना करते हुए लिखा कि यह साहसपूर्वक और सीधे तौर पर अप्रभावी सरकार पर उंगली उठाती है और उंगली की ताकत को पहचानने और वोट देने की अपील करती है। 24 scroll.in की नंदिनी रामनाथ का मानना है कि फिल्म मुख्य रूप से किंग खान के कारण चली। उन्होंने लिखा कि उनकी स्क्रीन छवि विशाल, प्यार से भरी हुई, आक्रामक रूप से मर्दाना होने के बिना पुराने ढंग से वीरतापूर्ण, अपमानजनक लेकिन ईमानदार भी एक दम्भ बेचने में मदद करती है। वह किसी अन्य अभिनेता के साथ क्रैश हो सकता था। 25 भविष्य। रिलीज के बाद यह खबर आई कि फिल्म का दूसरा भाग भी होगा। फिल्म की सफलता के कारण खान ने फिल्म की अगली कड़ी की संभावना पर जोर दिया। बाद में सितंबर 2023 में एटली ने जवान 2 नामक सीक्वल की स्क्रिप्ट पर अपना काम शुरू कर दिया। पिंकविला के साथ एक साक्षात्कार के दौरान एटली ने आधिकारिक तौर पर पुष्टि की कि फिल्म का वास्तव में एक सीक्वल होगा और विक्रम राठौड़ के किरदार के आसपास केंद्रित एक स्पिन फिल्म बनाने की योजना का भी खुलासा किया। 26/27 बाद में सितंबर 2023 में यह बताया गया कि एटली ने सीक्वल की स्क्रिप्ट पर काम शुरू कर दिया है। सुपरस्टार शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म जवान 7 सितंबर को दुनिया भर में रिलीज हो चुकी है। वहीं इस फिल्म में सियासत की बातें भरपूर हैं और साथ ही शाहरुख का स्वैग भी है। दक्षिण फिल्म निर्माता एटली द्वारा निर्देशित फिल्म जवान में शाहरुख खान, नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण और संजय दत्त समेत कई अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं। इस फिल्म में जवान के अलावा किसानों पर फोकस किया गया है, जो कई साल से सुनने को हमें मिल रहा है कि कर्जे के बोझ तले दबे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। वहीं इन सब के पीछे सिस्टम को कसूरवार दिखाया गया है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। किसान जवान फिल्म को लेकर खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि बड़े पर्दे पर किसी दिग्गज अभिनेता ने हमारी आवाज उठाई है, जो किसानों की असली दुर्दशा दिखाता है। मालूम हो कि ऐसा पहली बार नहीं है कि शाहरुख खान ने किसानों की बात की है। इससे पहले भी वो कई दफा किसानों की बात कर चुके हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर शाहरुख खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें शाहरुख किसानों को असली हीरो कहते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल इस पुराने वीडियो में शाहरुख खान किसानों को संबोधित करते हुए कहते हैं, हमारे जो किसान भाई और बहन लोग हैं, जो आप लोग हैं महाराष्ट्र में, वो असली हीरो हैं। आप बहुत मेहनत करते हैं। मैं दिल्ली और मुंबई का हूँ तो मुझे शायद गांव के बारे में इतना ज्ञान भी नहीं है, लेकिन मैं समझ पाता हूँ कि आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। कड़ी धूप में बीज डालते हैं, उसके बाद सिंचाई, उपजाई और कटाई होती है। वीडियो में शाहरुख आगे कहते हैं, यह सब होने के बावजूद भी कभी कभी भगवान, अल्लाह और नेचर हमारा साथ नहीं देती और बारिश, पानी की प्रॉब्लम हो जाती है। आप हीरो इसलिए हैं कि जिस चीज पर आप निर्भर हैं, जिस पर आपकी रोजी रोटी चलती है, जिस चीज की वजह से हम लोग पल पाते हैं, वो जिस चीज पर आप निर्भर हैं, कभी कभी वो भी आपको नहीं मिली, तो आज आपने साबित कर दिया कि उसको भी, यानी पानी को भी आप खुद उपजा लेंगे, तो असली हीरो आप लोग हैं। दर्द महसूस करें और आरोप प्रत्यारोप बंद करें, शाहरुख खान। सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स, ट्विटर पर सक्रिय रहने के लिए जाने जाने वाले शाहरुख खान नियमित रूप से अपने प्रशंसकों के लिए अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन दोनों से अपडेट पोस्ट करते रहते हैं। अभिनेता अपने आसपास होने वाली घटनाओं पर भी अपनी राय और विचार व्यक्त करने के लिए भी ट्विटर का उपयोग करते हैं। इसी क्रम में अप्रैल 2015 में शाहरुख खान ने किसानों की आत्महत्या को लेकर एक एक्स किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, कोई भी खुद को नहीं मारता, अपना जीवन खत्म कर लेता है, वे ऐसा करते हैं ताकि दर्द खत्म हो जाए।
एक क्षण रुकें, दर्द को महसूस करें, लाभ की तलाश न करें और आरोप प्रत्यारोप का खेल बंद करें। शाहरुख खान की जवान थिएटर्स में लग चुकी है, बिलाशक ये उनके करियर की सबसे मसालेदार फिल्म है। इसमें आपको तकरीबन हर वो एलिमेंट मिलेगा जो किसी मेनस्ट्रीम एंटरटेनिंग फिल्म में होना चाहिए। एक के पैसे में दो दो शाहरुख खान मिल रहे हैं, इससे ज्यादा पब्लिक को क्या चाहिए। बेहतर फिल्म जवान को देखते हुए कई मौकों पर ऐसा लगता है कि शाहरुख जो चीजें अपने असल जीवन में नहीं कर पाते हैं वो उन्होंने इस फिल्म में की है। मसलन देश के सामाजिक राजनीतिक मसलों पर खुलकर अपनी बात रखना। देखिए, जवान ने कभी हमसे एकदम अलहदा फिल्म होने का वादा नहीं किया था, वो है भी नहीं। ये फिल्म सिर्फ और सिर्फ टिकट खिड़की पर पैसे कमाने के मकसद से बनाई गई है, और फिल्म खूब सारे पैसे कमाएगी भी। शाहरुख को जितना क्रांतिकारी सिनेमा करना था उन्होंने 2014 से 2019 तक कर लिया। अब वो वही करेंगे जो पब्लिक देखना चाहती है, जो कि सही भी है। डॉट सबको पता है कि जवान में शाहरुख खान का डबल रोल है। इस फिल्म से मेरा हासिल विक्रम राठौड़ का पिता वाला किरदार है, जिसकी बैक स्टोरी चक दे इंडिया वाले कबीर खान की तरह है, मगर थोड़ा मैस्कुलिन, सिनेमैटिक और स्वैगर से भरपूर। फिल्म के आखिर में एक सीन है जहां आजाद और विक्रम विलन से लड़ रहे हैं। काली उनके ऊपर शॉटगन से गोली दाग रहा है। ये दोनों लोग एक शील्ड के पीछे छुपे हैं। पहली गोली लगते ही विक्रम और आजाद दोनों थोड़ा पीछे की ओर सरकते हैं। पर्सनली ये फिल्म का इकलौता सीन है जिसे मैं दोबारा या रिवाइंड करके देखना चाहूंगा। डॉट जवान खालिस मसाला सिनेमा है जिसको साउथ स्टाइल में ट्रीट किया गया है। कथानक से लेकर मैसेज तक सब कुछ, कैरेक्टर्स के लुक गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के कैरेक्टर्स की तर्ज पर बनाए गए हैं। फिल्म का एक सीन देखकर तो जीरो डार्क 30 की याद आ जाती है। फिल्म के सब प्लॉट्स में कई सामाजिक मसलों को छूने की कोशिश की गई है, मगर वो जेन्युइन एफर्ट नहीं लगता। इन्हें दर्शकों को ब्लैकमेल करने के लिए सिनेमैटिक टूल्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इस फिल्म की सबसे ज्यादा खलने वाली चीज मुझे यही लगी, जवान उन चीजों को पकड़ती है जिसे लेकर सोसाइटी बहुत टची है। किसानों की आत्महत्या, बच्चों की जान का खतरा, प्रेग्नेंट महिलाएं, अल्पसंख्यक लोग, भ्रष्टाचार, चुनावों की रिगिंग, इनमें से हर चीज आपको परेशान करती है, क्योंकि वाकई वो जरूरी मसले हैं जिन पर बात होनी चाहिए। फर्क बस ये है कि उन मसलों पर किस नियत से बात की जा रही है। क्या वाकई फिल्म या इसे बनाने वाले इन सामाजिक मसलों को लेकर फिक्रमंद हैं, या जवान को महिला केंद्रित फिल्म कहकर प्रमोट किया जा रहा था। कहने को तो दंगल भी महिला प्रधान फिल्म थी, मगर थी क्या। जवान में आपको 6 महिला किरदार नजर आते हैं। उन सबकी कहानी फिल्म के लिए अलग अलग सब प्लॉट्स तैयार करती है। पूरी कहानी में सिर्फ उनका इतना ही रोल है। सानिया मल्होत्रा से लेकर प्रियमन, विजय सेतुपति एकदम टिपिकल विलन बने हैं जो पहले राउंड में हीरो को हरा देता है। दूसरे राउंड में हीरो विलन से बदला लेने आता है। विजय सेतुपति के काली के किरदार को थोड़ा और उभर कर आने दिया जाता तो शायद फिल्म और रोचक बन सकती थी। हालांकि उनका एक सीन है जब वो अपने गुर्गों से कहते हैं कि आजाद और विक्रम को खत्म करो, वरना ये लोग गाना गाने लगेंगे और उन्हें सुनना पड़ेगा। फिल्म में 2 सुपरस्टार्स के कैमियो हैं जो हद से ज्यादा निराशाजनक हैं। फिल्म का एंड देखकर तो मुझे एक बार को लगा आयला अब्बास मुस्तन की रेस। ये फिल्म जितनी शाहरुख खान की है उतनी ही एटली की भी है। एटली को एलिवेशन वाले सीन्स का मास्टर माना जाता है, वो यहां भी करते हैं। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक तगड़ा है, खासकर जवान थीम, मगर चलेया के अलावा कोई भी गाना याद नहीं रहता। कुल जमा बात यह है कि तमाम खामियों के बावजूद आप ये नहीं कह सकते कि जवान आपको वो नहीं देती जिसका वादा फिल्म ने किया था। एंटरटेनमेंट, शाहरुख पठान के बाद जवान के तौर पर एक अच्छा फॉलोअप डिलीवर करना चाहते थे, वो उन्होंने कर दिया है, क्योंकि ये फिल्म झोंक कर पैसा कमाने वाली है।
जवान को देखकर मुझे आजकल सोशल मीडिया पर चलने वाला मीम रूपी कथन याद आता है। ऐसा नज़ारा कदाचित सिनेमा घर में पहली बार देखने को मिल रहा था। शाहरुख खान की बहुप्रतीक्षित फिल्म जवान गुरुवार 7 सितंबर को रिलीज हो गई है। पहला शो अल सुबह 6 बजे का था और सुबह का ये शो भी हाउसफुल था। फिल्म को लेकर SRK के फैंस का पागलपन अपने सातवें आसमान पर है। फिल्म की शुरुआत में शाहरुख की एंट्री पर ऑडियंस क्रेजी होकर चीखने चिल्लाने लगी, सीटियों और तालियों की बौछार हो गई। फिल्म खत्म होने के बाद लोग नाच गाकर इसका जश्न मना रहे थे। कहीं ढोलन गाड़ों के साथ फिल्म की रिलीज को सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो कहीं जन्माष्टमी के अवसर पर उनके कटआउट को दूध से नहलाया जा रहा है। 35 करोड़ की बम्पर एडवांस बुकिंग के साथ जवान रिलीज हुई है और इसका असर सिनेमाघर के अंदर और बाहर साफ दिखता है। कहानी की बात करें तो जवान के प्लॉट में कई परतें हैं। फिल्म की शुरुआत मुंबई मेट्रो के हाईजैक से होती है, जहां आजाद शाहरुख खान वेश बदलकर अपनी गर्ल गैंग लक्ष्मी, प्रियामनी, ईरम, सानिया मल्होत्रा, हेलना, संजीता भट्टाचार्य, आलिया कुरैशी, लहर खान के साथ मिलकर ये काम करता है। इस गर्ल गैंग की सभी लड़कियों का एक दर्दनाक अतीत है, जिसके कारण वे आजाद का साथ देने को राजी होती हैं। शुरू में विलेन दिखने वाला आजाद असल में रॉबिन हुड है, जो काली करतूतें करने वाले सफेदपोश बिजनेसमैन काली गायकवाड़ विजय सेतुपति से फिरौती की एक मोटी रकम लेता है और उसे कर्ज में डूबे उन किसानों के बैंक अकाउंट में जमा करा देता है। ये किसान बैंक के कर्ज के बोझ तले दबकर आत्महत्या को मजबूर हो चुके थे। काली को ये पैसे इसलिए भी देने पड़ते हैं क्योंकि उस मेट्रो में उसकी बेटी भी थी। सिस्टम के मारी लाचार और पीड़ित आम जनता का मसीहा आजाद यहीं तक नहीं रुकता। वह अपनी जांबाज लड़कियों की टोली के साथ हेल्थ मिनिस्टर को अगवा करके सरकारी अस्पतालों में चल रहे करप्शन और दुर्दशा का भंडाफोड़ करता है और महज 5 घंटों में उसे सुधरवाता भी है। आजाद की असलियत का पता लगाकर उसे गिरफ्तार करने के लिए पुलिस चीफ नर्मदा नयनतारा को अपॉइंट किया जाता है। नर्मदा जिस आजाद को पकड़ने के लिए जी जान लगा रही है, वही उससे शादी करके उसकी बेटी को अपनाने की पहल करता है। एन शादी के दिन नर्मदा को आजाद की असलियत पता चलती है। आजाद की अपनी बैक स्टोरी है। वह सेना में स्पेशल टास्क की जिम्मेदारी निभाने वाले बहादुर देशभक्त विक्रम राठौड़ का बेटा है। 30 साल पहले जब विक्रम ने एक मिशन के दौरान बिजनेसमैन काली के वेपन घोटाले की पोल खोली थी, तब काली विक्रम को देशद्रोही साबित करके मौत के घाट उतार देता है। विक्रम की पत्नी ऐश्वर्या दीपिका पादुकोण को फांसी की सजा दी जाती है, मगर विक्रम मौत के मुंह से बच तो जाता है। उसकी याददाश्त जा चुकी है। ऐश्वर्या अपने 5 साल के बेटे आजाद को मरते समय बता देती है कि उसका पिता विक्रम देशद्रोही नहीं बल्कि देशभक्त था। आजाद को उसकी मुंहबोली माँ रिद्धि डोगरा पाल पोसकर बड़ा करती है और उसे भीलवाड़ा जेल का जेलर बनाती है। क्या आजाद अपने पिता को 30 साल बाद देशभक्त साबित करके अपनी माँ की मौत का बदला ले पाएगा? क्या विक्रम की याददाश्त वापस आ पाएगी? क्या आजाद रॉबिनहुड बनकर गरीब और सिस्टम की मार झेलने वालों की मदद जारी रखेगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको फिल्म में मिलेंगे। निर्देशन की बात करें तो एटली की यह फिल्म हर तरह से मसालेदार है, मगर निर्देशक ने उसमें 30 साल का लीप लेकर उसे आज के दौर के मुद्दों से जोड़ा है। किसानों की दुर्दशा और आत्महत्या का मुद्दा हो या फिर सरकारी अस्पतालों की बदहाली, आम आदमी इस सिस्टम के कुचक्र में कैसे फंसता है, इसे इटली ने एक्शन इमोशन के साथ परोसा है। फिल्म में 2 कहानियां समानांतर ढंग से चलती हैं, जिसमें शाहरुख नयनतारा वर्तमान में हैं और दीपिका अतीत में। हालांकि इटली की फिल्म में कई टर्न और ट्विस्ट हैं। इंटरवल का पॉइंट भी दिलचस्प है, मगर कई जगह पर निर्देशक सिनेमैटिक लिबर्टी लेने से नहीं चुके। कहीं कहीं पर फिल्म मेलोड्रामेटिक भी होती है, मगर किरदार उसे निभा ले जाते हैं। किसान का बेबस होकर फांसी लगाने का दृश्य हृदय विदारक है। रोंगटे खड़े कर देने वाले एक्शन दृश्यों में देश दुनिया से एक साथ आए 6 एक्शन निर्देशकों का जलवा साफ मालूम पड़ता है। एटली और रामनादिर निवासन द्वारा लिखित पटकथा आकर्षक और मनोरंजक है। हाँ, फिल्म का रनटाइम लंबा 2 घंटे 45 मिनट है। बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर
मच्छर मारने की 5 घंटे चलने वाले कॉइल के बारे में आप इतनी पूछताछ करते हैं, मगर 5 साल तक चलने वाली सरकार से कुछ नहीं पूछते। जवान एक 2023 भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे एटली ने सहलिखित और निर्देशित किया है। यह एटली पहली हिंदी फिल्म है। दो, यह रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के तहत गौरी खान और गौरव वर्मा द्वारा निर्मित है। फिल्म में शाहरुख खान पिता और पुत्र की भूमिका में हैं, जो कि हमशक्ल है, जो समाज में भ्रष्टाचार को सुधारने के लिए मिलकर काम करते हैं। नयनतारा, विजय सेतुपति, दीपिका पादुकोण विशेष उपस्थिति के रूप में प्रस्तुत प्रियामणि और सानिया मल्होत्रा सहायक भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। फिल्म की शूटिंग सितंबर 2021 में शुरू हुई और फरवरी 2023 में पुणे, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और औरंगाबाद में फिल्मांकन के साथ समाप्त हुई। यह 2 जून 2023 को नाटकीय रिलीज के लिए निर्धारित थी, 3, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन के लिए अधिक काम की आवश्यकता के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब यह 7 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी के अवसर पर रिलीज हो चुकी है। जवान बॉलीवुड की तरफ से रिलीज होने वाली पहली पैन इंडिया फिल्म होगी। 4, अपनी रिलीज के 18वें दिन जवान ने 1000 करोड़ का